हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए अप्रैल 2024 की प्रेडिक्शन करते हैं। मैं यहाँ सारे साइंस के बारे में बात करूँगी, मेष से लेके मीन राशि तक के सारी मैं बात करूँगी सारे टॉपिक्स पे। और अप्रैल के मंथ में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आप स्पिरिचुअली कितना गेन करने वाले हैं, क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे गाइस। आइए जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि यानी एरीज राशि वाले क्या होगा अप्रैल मंथ में उनके लिए। गाइज, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अप्रैल 2024 में कार्ड्स मिलने शुरू हो गए हैं। जजमेंट का कार्ड आया, वेरी गुड। एरीज राशि वालों के लिए जजमेंट का कार्ड आया है। वेरी गुड। देखिए गाइज, हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो पहले, या किसी ऐसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो कि मुझसे ये क्या गलती होगी, या किसी भी गलती को लेकर अगर आपके मन में कोई गिल्ट हो रहा हो तो उस गलती को सुधारने का एक मौका मुझे यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। गाइज, आपको एक मौका मिलेगा ताकि आप उस गलती को सुधार सकें, या जो भी कुछ आपने किसी भी अपने काम में, जॉब में, या कहीं पर भी आपने अगर कुछ आपसे मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, कहीं इन्वेस्टमेंट आपने किया है वहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया है, या कुछ भी ऐसा जहाँ आपको लग रहा है कि आपसे गलती हो गई है, आपको एक दूसरा मौका मिलता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है एरीज राशि वाले आप लोगों के लिए। उस मौका आपको मिलेगा आप, ताकि अपने उस गलती को सुधार सकें। अप्रैल में मैं देख रही हूँ कि आपको एक बहुत बड़ा अच्छा मौका मिलते हुए नज़र आ रहा है। अगर आपने उस मौके को कैच कर लिया तो आप लाइफ में आगे बढ़ने लगेंगे। गाइस, हो सकता है इस वक्त आपकी चीज़ें रुकी हुई हो, मूवमेंट ना हो लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, किसी चीज़ को लेके कोई परेशानी हो, कोई गिल्ट हो आपके मन से, ये सारी चीज़ें मुझे अप्रैल मंथ में निकलती हुई नज़र आ रही हैं गाइस। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, या करने की सोच रहे हैं, या ऑलरेडी करते हैं, तो उस काम में भी आपको यहाँ सक्सेस मिलती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। अगर स्पेशली अगर आप अप्रैल मंथ में वो काम शुरू करने जा रहे हैं, किसी भी पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई काम, या किसी को भी किसी की सलाह से कोई काम करने जा रहे हैं, या किसी के साथ लेके कोई काम करने जा रहे हैं, तो उस काम में भी आपको मुझे यहाँ सफलता मिलती नज़र आ रही है गाइस। मेष राशि वाले, बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है आपका, बस मौके को मत चूकिएगा, मौके को पहचानने की ज़रूरत है। अगर आपने मौके को पहचान लिया तो लाइफ में आप आगे बढ़ने लगेंगे गाइस। मैं और कार्ड्स लेती हूँ। बिल्कुल हिम्मत से काम लीजिएगा, ऐसा काम लीजिएगा कि आपको किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है बहुत सोच समझ के मुँह से बातें निकालिएगा, क्योंकि आपने कुछ भी गलत आपके मुँह से निकला तो आपका काम फिर से ख़राब हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के शब्दों का सही तालमेल बिठा के ही सामने वाले से आप बात करेंगे तो आपके काम बनते नज़र आ जाएंगे। बड़े बड़े लोगों से भी आपके काम बनते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अगर किसी भी बड़ी अथॉरिटी की वजह से कोई काम रुका हुआ था तो आप अपनी बातों का कुछ इस तरीके से इम्प्रेशन डालेंगे उनके ऊपर कि आपके काम यहाँ मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा पैसा मुझे यहाँ आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आपका मनोबल बढ़ने वाला है, आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा होने वाला है इस मंथ में गाइस। फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है गाइस। थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, या जिन लोगों की वजह से भी पहले आपको नुकसान हो चुका है वो आपको फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके आसपास कोई इस तरह के लोग हो सकते हैं जो आपको चीट करना चाहते हो, जो ऑलरेडी आपको चीट कर चुके हों, तो ऐसे लोगों के चेहरों से भी पर्दा हटेगा, आप पहचान पाएंगे इन लोगों के अपने इंटेलिजेंस से, अपना दिमाग लगा के, यानी कि अपना थोड़ा सा आप शार्प माइंड चलाएंगे, अगर आप थोड़ा
कहते हैं ना कि एक ट्रिक्स अपनाएंगे तो इन लोगों का भी चेहरा आपके सामने आ जाएगा जो आपको धोखा देते रहे हैं, या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको आपकी तरक्की से जल रहे हों, आपकी फैमिली लाइफ देख के जल रहे हों, आपके पैसे को लेके जल रहे हों। ऐसे लोगों से अलर्ट होके रहने की ज़रूरत है अप्रैल के इस महीने में गाइस। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ कैसे चलने वाली है, आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ, या अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। ये द पावर ऑफ लव के कार्ड्स हैं, इनके इनसे हम देखते हैं कि क्या सजेशन मिल रहा है आपको। फॉरगिवनेस, देखिए अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को लेकर, या ये भी हो सकता है कि छोटी छोटी कोई चीज़ें होती हों जो आपको उनके अंदर पसंद ना हो या उन्हें आपके अंदर पसंद ना हो, तो उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी लव लाइफ में मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम होती नज़र नहीं आ रही है, लव लाइफ भी आपकी अच्छी चल रही है। तो ओवरऑल आपका जो ये अप्रैल का मंथ है गाइस, ये मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। बस आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है थोड़ा सा, और चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है, साफ साफ बात करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर आप शुगर कोटेड बातें करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा खरी खरी बात अगर आप बोलेंगे तो आपके काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा शुगर कोटेड बातें करिए, थोड़ा सा अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी होगी, आपकी स्पिरिचुअल कितना ग्रोथ कर रहे होंगे, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं, या स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ भी कोई प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको शिव जी की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होने वाला है। स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, देखिए गाइस आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहिए, आपको किसी के भी के लिए बदलने की ज़रूरत है, अपने अंतरात्मा को जगाने की ज़रूरत है, अपनी अंतरात्मा की बात सुनने की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअली भी इस मंथ में ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं, हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिखें, 11 11, 12 12, इस तरह के नंबर्स आपको दिखाई दे, या हो सकता है कि 444 दिखाई दे, 333 दिखाई दे, इस तरह के नंबर्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो यूनिवर्स आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, उन मैसेज उन साइंस के ऊपर ध्यान दीजिए। ओवरऑल ये मंथ आपका मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ों की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। तो अगर आपको अगर मन में कोई भी विश हो, कोई भी विश अगर आपको हो, तो कमेंट में ज़रूर से उस विश को लिखिएगा गाइस, ताकि वो एनर्जी क्लेम हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वृषभ राशि वालों, टॉरस राशि वालों, आइए देखते हैं कि अप्रैल मंथ में यानी 2024 अप्रैल में आपके लिए ये मंथ क्या लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है गाइस। टॉरस यानी वृषभ राशि वाले, इस मंथ में आपके लिए क्या प्रेडिक्शन टैरो कर रहा है, आइए जानते हैं। आपकी लव लाइफ में क्या होगा, स्पिरिचुअली आप कितना आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ में आप क्या करने वाले हैं इस मंथ में, ये सब हम जानते हैं टॉरस राशि वाले। ओके, गाइस कोई रुका हुआ जो आपका काम था वो होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके सलाह से जिसके मशवरे से आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि कोई आपकी गुरु जैसा कोई फिगर आपकी लाइफ में आए, ये भी हो सकता है कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या कुछ नया आप कोर्स करने जा रहे हो, कुछ सीखने जा रहे हो। अप्रैल मंथ में मुझे यहाँ आपके सीखते हुए की सीखने की एनर्जी बहुत हाई नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ तो आप सीखना चाहते हैं, कुछ लाइफ में नया करना चाहते हैं, जिसका शायद अभी तक आप वेट कर रहे थे, वो सही समय आपका अब आ गया है। अप्रैल मंथ में आप कुछ नया मुझे यहाँ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, और कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आपके अलावा भी कई लोग साथ में उस चीज़ों को सीखें, यानी कि हो सकता है आप कोई कुछ भी आप सीख कुछ जो कुछ भी हो सकता है, किसी नए कोर्स में आपका एडमिशन आप लें, या जो कुछ भी आप सीखना चाह रहे हैं उसमें आपको और लोगों के साथ भी
बात करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, आपकी विजडम बढ़ेगी, आपकी जो भी आपकी अगर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई स्टडीज से लेके कुछ रिलेटेड कोई चीज़ है जो रुकी हुई थी अभी तक और आगे नहीं बढ़ रही थी, वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। किसी कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे थे, या हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, या ये भी हो सकता है कि अपने वर्क प्लेस में जो भी आप काम कर रहे थे उसमें मुझे आप आगे बढ़ते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं गाइस। इस मंथ में ये भी हो सकता है कि जो लोग घर लेने की प्लानिंग कर रहे हों, या ज़मीन लेने की प्लानिंग कर रहे हों, या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हों, वो इन्वेस्टमेंट भी आप मुझे यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। यानी कि मनी वाइज आपका ये मंथ अच्छा होने वाला है। कुछ सीखेंगे आप, जो कुछ भी आप सीखेंगे उससे आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होने वाला है। यानी कि आपकी जो भी आपकी स्किल्स हैं, अगर आप उन पे काम कर रहे हैं तो वो स्किल्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली हैं, उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है गाइस। तो ये मंथ आपका ये बता रहा है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ सीखेंगे भी, कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे फ्यूचर में आपको बहुत लाभ होने वाला है, और आपको ही नहीं आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं कहीं, आप अपना हो सकता है सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हो सकता है कहीं पर और इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहीं पे भी कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ काम अगर आप इस मंथ में शुरू कर देंगे तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलती हुई मुझे यहाँ नजर आ रही है वृषभ राशि वालों के लिए। और कार्ड्स लेते हैं, देखें और क्या करेंगे आप, क्या दे रहा है अप्रैल मंथ आपको। ओके बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि आगे बढ़ेंगे यानी चीज़ों को नया नया सीखेंगे। कुछ लोग हैं जो लाइफ में हो सकता है आपको आगे ना बढ़ने देना चाहते हों, या बहुत किसी बात का लड़ाई झगड़ा आपकी लाइफ में किसी के साथ चल रहा हो, अच्छा माहौल ना चल रहा हो, या फ्रेंड्स में लड़ाई झगड़ा हो गया है, वो भी मुझे यहाँ सुलझता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। आपका देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, ये कार्ड ही बताता है कि ये महीना आपके लिए बहुत लकी होने वाला है। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन आपका डेफिनेटली कंप्लीट होगा, पूरा होगा, वरना शुरुआत हो जाएगी। आपको एहसास हो जाएगा कि जो कुछ भी आप मांग रहे थे वो अब आपको मिलने वाला है। लकी आपका लकी मंथ होने वाला है, पूरे साल में ये आपका सबसे ज़्यादा लकी मंथ अप्रैल का होने वाला है गाइस। इसलिए कमेंट में जो भी आपके विश हो उसको ज़रूर से लिख के जाइएगा, भूलिएगा मत, उसको ज़रूर से लिखिएगा, इससे एनर्जीज क्लेम होती हैं। और अगर से किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, किसी से बातचीत बंद थी, फ्रेंड्स हो, फैमिली में कोई हो, रिलेटिव में हो, या कोई भी हो जिनसे आपका मन मुटाव चल रहा था, वो मन मुटाव भी मुझे यहाँ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है गाइज। तो आपका ये बहुत लकी मंथ होने वाला है, या इस मंथ से आपका लक बहुत बेहतर होने वाला है, चीज़ें लाइफ में बहुत आगे जाने वाली हैं, बहुत अच्छी जाने वाली हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु है या ऐसा कोई पर्सन है कि जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपको पता है कि इस पर्सन ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो उसकी हेल्प ज़रूर लीजिएगा, उसे सलाह मशवरा ज़रूर करिएगा। चीज़ें अगर रुक भी रही थी तो आगे बढ़ने लगेंगी, क्योंकि इस मंथ से आपका लक डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है गाइस। देखते हैं आपकी लव लाइफ में या आपकी मैरिड लाइफ में के लिए क्या कार्ड आ रहा है। देखिए प्रेजेंट का कार्ड आ रहा है, यू लिव इन द मोमेंट एंड आर एबल टू ब्रिंग फोर्थ ऑफ एनर्जी ऑफ लव इन योर करंट सर्कमस्टेंसेस। यानी कि जो कुछ भी है आपकी लाइफ में, देखिए प्रेजेंट में जी लीजिए, बहुत ज़्यादा आगे मत सोचिए और अपने एनर्जीज पे काम करिए। चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। आज जो फैसला आप करेंगे वो आपके फ्यूचर को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया। तो चीज़ें बहुत खूबसूरत होने लगेंगी लाइफ में, जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में रुकी हुई थी, टॉरस आप लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ें रुकी हुई थी वो चीज़ों में अब मूवमेंट आएगा, एक एक्शन लेने का टाइम है। देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, यानी कि जो कुछ भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी रिचुअल्स आप करते हैं, या जो किसी भी भगवान को आप मानते हैं, उनके लिए आपका आपके लिए क्या मैसेज है। रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन, देखिए गाइस क्लेंसिंग का कार्ड आया है, तो कार्ड बता रहा है कि आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपने आप को डिटॉक्स करिए, अपने
अपने अंतर मन को या अपनी बॉडी को कुछ ऐसी चीज़ें धारण करी, जैसे रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। अगर आप किसी भी और कम्युनिटी से हैं, किसी भी और रिलीजन से हैं, तो जो भी उस रिलीजन से रिलेटेड कोई भी ऐसी शुभ चीज़ें हैं उसको आप धारण कर सकते हैं। आप अगर आप हिंदू हैं तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इससे आपका अंदर से भी क्लीनिंग होगी, आपका माइंड भी क्लीन होगा, आपको सब कुछ, आपकी जितनी नेगेटिविटी है ना, ये धीरे धीरे रिलीज होती जाएगी और एक ऐसा ऑरा आपके साथ सारी तरफ क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से गलत चीज़ें आपकी तरफ अगर आएंगी भी तो आपको छू के चली जाएंगी, आपका वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे गाइस। इसलिए अगर हो सके तो रुद्राक्ष जरूर धारण करिए, शिव जी के पूजा करिए, या जिस भी किसी भगवान को, खुदा अल्लाह अपने गुरु को मानते हैं, तो उनको ज़रूर, उनकी बहुत, उनके लिए कुछ भी करिए, जो भी कुछ डोनेशन करिए उनके नाम पे, या उनके नाम पे बर्ड्स को खिलाइए, डॉग्स को खिलाइए, कुछ भी करिए, आपके आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा कि आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा गाइस। तो वृषभ राशि आप लोगों के लिए यही है सब अप्रैल में, तो कमेंट में ज़रूर से अपने विश लिख के जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल जेमिनाइज, तो आइए देखते हैं अप्रैल 2024 की क्या प्रिडिक्शन है आपके लिए, इस मंथ में आपके लिए क्या होने वाला है, क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। गाइस ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो आइए देखते हैं अप्रैल 2024 में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द फूल। देखिए गाइस, जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वाले, पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। ये मंथ आपकी हेल्थ को थोड़ा सा डिस्टर्ब मुझे दिखा रहा है, थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेके थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए। अगर कोई हेल्थ चेकअप आपका ड्यू है तो उसे करा लीजिए, कुछ बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, लेकिन हेल्थ में थोड़ी सी मुझे उतार चढ़ाव यहाँ होती हुई नज़र आ रही है। सर में दर्द रह सकता है, आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपके, या ये भी हो सकता है कि आपको पीठ में, आपके बैक साइड में, आपके जो शोल्डर का बैक साइड है वहाँ पे कुछ ऐसी पेन होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो इन सबको ठीक करने के लिए आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ी वॉक करने की ज़रूरत है, योगा प्राणायाम करने की ज़रूरत है। अगर आप इसे ये सब चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली अपने अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपका खाना आपको चेंज करने की यहाँ ज़रूरत है, और अगर आप किसी ऑलरेडी किसी ट्रीटमेंट को कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक बार आप अपने डॉक्टर को चेंज करके देख लीजिए, एक दूसरी एडवाइस लेके देख लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर सकती हैं, किसी और चीज़ में आपका काम नहीं, मन मन नहीं लगेगा। ऐसी सिचुएशन यहाँ मुझे अप्रैल मंथ में जेमिनाइज वालों के लिए दिखाई दे रही है कि उनकी हेल्थ थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो, अपने लिए रेस्ट निकालने का बिल्कुल करने का टाइम ही नहीं निकालते हो। काम काम काम, सुबह से लेकर शाम तक आप काम ही करते रहते हो, और अगर आप कभी रेस्ट करते भी हो तो भी आप उस समय बस काम के ही बारे में सोच रहे होते हैं। तो ऐसा ना करिए, ऐसा आपको कार्ड सलाह देते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करिए अपने ऊपर, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको, ऐसा मुझे यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं कि 2024 अप्रैल में के मंथ में आपकी हेल्थ थोड़ी सी मुझे ऊपर नीचे होती हुई नज़र आ रही है गाइस। कुछ चीज़ें हैं जो नई शुरू होने वाली हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। अगर कोई आपका मकान का सपना था जो बनाने, उसकी एक नींव पड़ सकती है, आप ज़मीन ले सकते हैं, या आपने ऑलरेडी ज़मीन ले रखी हो तो उसको काम करने का उसमें आप टाइम शुरू करने वाले हो। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में अब आगे बढ़ेगी, चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगी। जिन चीज़ों को भी लेके आप स्टक हो रहे थे, चीज़ें रुकी हुई थी, आगे ही नहीं बढ़ रही थी, लग रहा था कि क्या है, मतलब चीज़ें रुकी गई, आगे क्यों नहीं जा रही हैं,
तो वो सारी सिचुएशन भी अब चेंज होती मुझे नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ में कुछ नयापन करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मैंने भी आपको पहले बताया कि आप बहुत ज़्यादा शायद काम करते करते थक गए हैं, तो आप एक छुट्टी पे जाना चाहते हैं अपनी फैमिली को लेके, या अपने पार्टनर के साथ आप एक छुट्टी पे जाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ छुट्टी पे जाना चाहते हैं, कुछ आप अपनी लाइफ में ऐसा करना चाहते हैं। मतलब थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि अब आपको भी लगने लगा है कि मैं बहुत ज़्यादा ही अपने आप को निग्लेक्ट करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ, मुझे अब अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। इसलिए शायद आपने एक फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल का कोई प्रोग्राम बन रहा हो सकता है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ तो ऐसा घर में कोई छोटा मोटा ही सही कोई फंक्शन होता नज़र आ रहा है, या हो सकता है कि घर में कोई शादी हो, बर्थडे हो, इस तरह की कोई सेरेमनी भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है जिसमें आप पार्टिसिपेट मुझे यहाँ करते हुए नज़र आते हैं गाइस। और कार्ड्स लेते हैं। चीज़ें डेफिनेटली इस मंथ में आपकी आगे बढ़ रही हैं, बस आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है गाइस। टू ऑफ पेंटिकल्स, किन्हीं दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं आप? जी हाँ, ओके, किसी दो चीज़ों में आप जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप कुछ गड़बड़ हो गई हो सकता है कि आपका किसी से सेपरेशन हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन हो जिनकी वजह से आपको सोचना पड़ रहा हो कि आप किसके साथ आगे लाइफ में जाएं। देखिए, कोई ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका लव पार्टनर भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, किसी भी तरह का कोई पार्टनरशिप मुझे यहाँ दिखाई दे रही है जिसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मैं किसके साथ आगे जाऊँ भी कि नहीं, अभी थोड़ा सा और रुक जाऊँ, तो अभी आप ये सब चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन में आपका माइंड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है किसी पर्सन को लेके, तो आपने सोचा है कि अभी ये सारी चीज़ें मैं रख देता हूँ, अभी छोड़ देता हूँ, थोड़े दिनों के लिए आप एक नैप लेना चाहते हैं। आपको आपको भी लगने लगा है कि अब आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। अब आप चीज़ों को थोड़ा सा आपने साइड करके आप अपने ऊपर इस मंथ में फोकस करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं गाइस। किसी चीज़ से हो सकता है किसी ऐसे रिश्ते में आप फंसे हों, या किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हों जिससे अब आप मूव ऑन कर लेंगे। इस मंथ में आप अब और आगे बुरी चीज़ों को लेके नहीं जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं जो कुछ भी हो वो सब यहीं सेटल डाउन हो जाए। चीज़ें अगर अच्छी हैं तो उनके साथ ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई रिश्ता आपका काम नहीं कर रहा है, कोई पार्टनरशिप आपके काम नहीं कर रहा, तो आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ते हुए यहाँ मुझे नज़र आते हैं गाइस। ओवरऑल तो अभी सब सही दिख रहा है मुझे, बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा चिल करिए, घूमिए फिरिए, अच्छा खाना खाइए, बस बाकी मुझे कोई यहाँ परेशानी नज़र नहीं आ रही। बस एक हेल्थ चेकअप ज़रूर ले लीजिएगा गाइस। देखते हैं द पावर ऑफ लव कार्ड से कि लव के लिए आपके लिए, अगर आप मैरिड हैं या आप किसी रिलेशनशिप में, तो उसके लिए आपके लिए क्या सजेशन निकल रहा है। डिटैचमेंट, यू आर रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स। जी हाँ, मैंने कहा ना कि आप अभी देखिए पूरी रीडिंग में ही निकल कर आ गया है कि पूरा चीज़ों को आप बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई ओल्ड पैटर्न था, कोई पुराना तरीका था जिस पे आप काम कर रहे थे और वो काम नहीं बन रहे थे, तो उस तरीके को बदलने की ज़रूरत है, नया करने की ज़रूरत है, अपने आइडियाज़ को नया करने की ज़रूरत है, अपनी सोच को नया करने की ज़रूरत है। और प्यार में आपको ये सजेशन मिल रहा है कि जितने भी ओल्ड पैटर्न्स हैं इनको छोड़ दीजिए, अपने प्यार में एक नयापन भरने के लिए आपको अपनी सोच को नया करना होगा गाइस। ओके, तो और देखते हैं कि स्पिरिचुअली आपके लिए क्या ला रहा है इस मंथ में, इस अप्रैल के मंथ में स्पिरिचुअलिटी आपको क्या दे रही है, क्या आपको नसीहत कर रही है, क्या आपके लिए चीज़ें निकल के आ रही हैं। ओके, भस्मासुर का कार्ड आया है। मिसयूज़ ऑफ पावर, देखिए अगर आपके पास कोई पावर है, अगर आप पावरफुल पोजीशन पे हैं, या अगर आप बॉस हैं, या आप घर के मुखिया हैं, या किसी भी तरह की पावर आपके अंदर है, किसी भी पावरफुल प्लेस पे आप बैठे हैं, या कोई भी एक अथॉरिटी पे अगर आप हैं, तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ को मिसयूज़ मत करिए। ऐसा काम करिए जिससे आपका तो फ़ायदा हो, दूसरों का भी फ़ायदा हो गाइस। यानी कि अगर आपके पास बहुत अच्छा ज़्यादा पैसा है, तो आप उसमें से थोड़ा सा कुछ डोनेट कर सकते हैं। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने अभी पहले ही बताया कि ओल्ड पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है। ओवरऑल यहाँ पे कार्ड्स ही बता रहे हैं
कि जो कुछ भी आपके पास अच्छा है उसका अच्छा यूज़ करिए, उसका मिस यूज़ मत करिए। अच्छा यूज़ करने से क्या होगा, चीज़ें आपकी और ग्रोथ करेंगी, आप और ऊपर की तरफ और हायर साइड पे आप चलने लगेंगे, आपकी एनर्जीज बहुत हाई होंगी गाइस। तो ये है ओवरऑल आपका जेमिनाइज वाला आपका अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन। तो जो कुछ भी आपकी विश है वो ज़रूर से कमेंट पर लिख के जाइएगा, क्योंकि इससे एनर्जीज क्लेम होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो ऑल कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब? तो आइए जानते हैं कि अप्रैल 2024 की क्या प्रेडिक्शन है आपके लिए, टैरो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। गाइस आइए जानते हैं कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वालों के लिए 2024 अप्रैल में क्या आ रहा है, क्या प्रेडिक्शन निकल कर आ रही है आपके लिए। ओके, राइट, ओके। देखिए, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन आपने ले रखा है, उसको थोड़ा रिलीज करने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी चीज़ का फैसला ना ले पा रहे हो, आप आगे ना बढ़ पा रहे हो, चीज़ें रुक गई हों, अटक गई हों, ऐसा आपको लगेगा इस मंथ में। थोड़ा सा अपने माइंड में आपको ऐसा लगेगा कि एक थोड़ा सा टेंशन मुझे दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है, बहुत ज़्यादा शायद किसी चीज़ का वेट कर लिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा बर्डन होता नज़र आ रहा है। आप सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि ये चीज़ें तो अब मैं क्या करूं, बस अब बहुत हो गया, बस अब इसको रख देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई कंपटीशन की तैयारी हो, किसी भी ओवरऑल कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको करते करते अब आप थकने लगे हैं, आपको उस चीज़ का बर्डन होने लगा है, आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। पर एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि जी नहीं है, जो भी कुछ आपने बर्डन लिया है, जो चीज़ की आपने अभी तक जिसकी इतनी मेहनत करी है, जिसकी इतनी तैयारी करी है, बेशक वो अभी आपको कोई उसका रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा है, बेशक अभी आपके हाथ में ऐसी कोई ठोस चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको लगे कि नहीं आप जो कर रहे थे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, पर डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा टाइम लगने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और टाइम देने की ज़रूरत है, चीज़ों थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस का टाइम है। जो कुछ भी आप करते आ रहे हैं उसको करते रहिए, उसको बीच रास्ते में मत छोड़िए, आगे चल के आपको उसमें सफलता मिलती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। गाइस अगर कोई कपल इस वीडियो को देख रहा है, कोई मैरिड पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं और वो बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इस मंथ में उनको एक अच्छी गुड न्यूज़ मिलते हुए नज़र आ रही है। प्रेगनेंसी की नज़र या तो घर में कोई हो सकता है कि किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिले, या आसपास में कोई ऐसा हो सकता है आपके फ्रेंड फैमिली रिलेटिव में किसी को कोई प्रेग्नेंट हो उसकी न्यूज़ आपको मिले, कोई कुछ एक कोई न्यू बॉर्न हो सकता है, किसी की प्रेगनेंसी हो सकती है, या हो सकता है कि अगर आप भी ऐसा कुछ बहुत टाइम से सोच रहे हों तो आपकी लाइफ में भी ऐसा टाइम आ सकता है इस अप्रैल के मंथ में कि आपको भी ये गुड न्यूज़ मिलती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और भी किसी चीज़ को लेकर अगर आप थक गए थे, परेशान हो गए थे, तो उसमें भी थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, चीज़ें ज़रूर बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड बताते ही है कि अभी तो आप थक गए हैं, हो सकता है कि आप ये एक वक्त है जिसमें आपको जज किया जा रहा है, शायद यूनिवर्स की तरफ से आपको जज किया जा रहा है, आपके पेशेंस को देखा जा रहा है। तो इस पेशेंस को मत छोड़िएगा गाइस, जो कुछ भी चीज़ें रुकी हुई है वो डेफिनेटली मुझे यहाँ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है, कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई मुझे यहाँ आपको नज़र आ रही है। ज़रूर से वेट करिएगा, चीज़ों को एकदम से छोड़िएगा मत। द एम्परर, फाइव ऑफ वांड्स, देखिए हो सकता है कि उलझन में, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए, या ज़बरदस्ती ही कोई जब आपको उकसाए लड़ाई झगड़ा करने के लिए, कोई बातों की कुछ इस तरह से बात आपके सामने कर दे कि आपको गुस्सा आ जाए। आपको हर तरह से पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस मंथ में कैंसेरियंस, आप बिल्कुल पेशेंस रखिएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, परेशान करने की कोशिश करे, आपके ऊपर एक ऐसा फील कराए कि वो आप उसके अंडर में है, ऐसा कोई आपको फील करा सकता है। पर इन सारी चीज़ों से घबराइएगा मत, डरिएगा मत, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हुई यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं गाइस।
हो सकता है कि आपके किसी फैमिली पर्सन से ही आपका थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नोक झोंक होती हुई नज़र आ रही है, तो उन चीज़ों को भी अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा गाइस। तो अप्रैल मंथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत परेशान कर सके, बस थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मूड को फ्रेश करिए और थोड़ा सा सब्र करिए, चीज़ें आगे ज़रूर अच्छाई की तरफ बढ़ रही हैं। इस मंथ में ऐसा कुछ ज़रूर आपको नज़र आ जाएगा जिससे आपको एक साइन मिलेगा कि हाँ शायद अब चीज़ें मेरी अच्छी अच्छाई की तरफ बढ़ने वाली, यानी कि आपके अंदर से एक पॉजिटिव पॉजिटिव अपने आप ही पॉजिटिव फीलिंग होना शुरू हो जाएगी गाइज। तो आइए देखते हैं आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, क्या सजेशन आ रहा है इसके लिए, कैंसेरियंस के लिए पीसफुलनेस। ओके देखिए मैंने आपसे क्या बोला, सब्र की ज़रूरत है, आप मैं बस बोला ना आपसे सब्र से आप ये समय निकल जाने दीजिए, बाकी सब आगे बहुत अच्छा होगा। जो भी कोई आपको डोमिनेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपके फैमिली में कोई ऐसे हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, या ऑफिस में आपके बॉस हो सकते हैं, या फ्रेंड्स में कोई ऐसे हो सकते हैं जो आपसे उम्र में ज़्यादा बड़े हों और आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हों, आप ही किसी चीज़ को हक जताने की कोशिश कर रहे हों, तो मत घबराइएगा, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं। बस शांति के साथ जो है चीज़ों को थोड़ा सा बस शांत रहने की ज़रूरत है इस वक्त। आपको एक नई पहचान मिलती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है, आपकी जो एक अंतरात्मा की जो जर्नी आपकी चल रही है, यानी कि अभी तक आप अपने शायद सिर्फ दिमाग की सुन रहे थे, दिल की नहीं सुन रहे थे, तो इस महीने में आप अपनी अंतरात्मा से भी जुड़ते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं गाइस। आइए देखते हैं शिव जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल, आप अगर बहुत स्पिरिचुअल हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या कह रही है, क्या होने वाला है आगे, क्या करना चाहिए आपको। स्नेक प्योरिटी, देखिए हो सकता है मैं आपको चीज़ बता दूं कि जो कुछ भी आप अभी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कुछ भी आपने अभी तक किया है उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला है, पर थोड़ा सा रुक जाइए, सब कुछ चीज़ें ठीक होने वाली हैं। और जो कुछ भी अभी तक आपकी लाइफ में नहीं हुआ वो किसी वजह से नहीं हुआ, ऐसा मुझे कार्ड यहाँ बता रहे हैं, शिव जी मुझे ऐसा बता रहे हैं कि वो जो कुछ भी अभी तक आपको लाइफ में नहीं मिला है वो आपकी किसी बेहतरीन की वजह से नहीं मिला है, वो सारी चीज़ें आपको लाइफ में आगे मिलने वाली हैं गाइस। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या नहीं भी करते हैं तो आपका थ्रोट चक्रा हो सकता है कि एक्टिवेट हो जाए, यानी कि आपके अंदर बात करने की एक ऐसी कला आ जाए कि जिससे लोग इम्प्रेस हो सके, आपकी बात सुनने लगेंगे, आपको सुनना चाहेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं या करते हैं, दोनों ही फॉर्म में आपका थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ एक्टिवेट होता नज़र आ रहा है। हो सकता है अभी पहले आपको बातचीत करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती हो, अपने दिल की बात नहीं कह पाते हो आप, जो लोग भी जो जैसा बोलते हैं बस उनको ही सुन के आप आगे चल देते हो, अपनी बात को मतलब नहीं रख पाते, वो सारी चीज़ें अब यहाँ चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं गाइस। तो ओवरऑल ये मंथ सही है, बस थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आगे चीज़ बहुत अच्छी होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, जो कुछ भी आपके विश है वो कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उससे एनर्जीज क्लेम होती हैं। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस यानी सिंह राशि वाले, कैसे हैं आप सब? तो आइए जानते हैं अप्रैल 2024 की क्या प्रेडिक्शन है आपके लिए, टैरो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, अप्रैल के इस मंथ में आपके लिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, स्पिरिचुअली आप कितना आगे जा रहे हैं और आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ में क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही है। नया प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, कहीं से इनविटेशन आ रहा है या कोई प्रपोजल आ रहा है। ओके जी हाँ, कुछ तो है, कहीं तो कुछ एक आपके लिए प्रपोजल ज़रूर आ रहा है आपको लेकर, कोई प्यार का पैगाम भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कहीं जाने का, कहीं किसी से मिलने का कोई इनविटेशन आपको मिले। ओके स्ट्रेंथ कार्ड, वाओ देखिए लियोस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो भी इनविटेशन आपको मिलने वाला है या जहाँ पे भी आप जाने वाले हैं किसी काम से,
इस मौके को मत चूकिएगा। अगर ये मौका आपने ले लिया या इस इनविटेशन को आपने स्वीकार कर लिया, या ये जो भी आपकी तरफ एक रिश्ता बढ़कर आ रहा है, या कोई प्रपोजल, या कोई जो भी प्रपोजल ये आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर आपने इसको ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है गाइस। हो सकता है कोई शादी का रिश्ता हो, या हो सकता है कि कोई लव का प्रपोजल हो, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको अपने किसी काम में पार्टनर बनाना चाहता हो। देखिए गाइस, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है तो भी, या किसी भी और जिस चीज़ से भी रिलेटेड ये आपको इनविटेशन मिलने वाला है, या ये एक ऑफ़र मिलने वाला है आपको, उसको ले लीजिएगा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे का मुनाफा होने वाला है। इनफाइनाइट आप देख रहे हैं, ये 8 का साइन यहाँ है, यानी कि इतना असीमित पैसा मिलेगा, इतना आपको एक कहता है ना कि आपकी लॉटरी लगने वाली है। बस आपको इस मौके को पहचानने की ज़रूरत है, नई तरीके से सोचेंगे चीज़ों में, जो भी कुछ जिस तरह की भी आपने सोच रखते हैं उसमें थोड़ा सा नयापन लाने की ज़रूरत है। लियोस यानी सिंह राशि वाले, आप लोगों की लाइफ एकदम चेंज होने वाली है। बहुत मेहनत करी है किसी चीज़ पे आप लोगों ने शायद, लेकिन मैं ये भी एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इस मंथ में आप लोगों की रहने वाली है। इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं येलो कलर यहाँ पे है, इतना सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा कहीं से आते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है आपने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो पहले, वो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा एक बड़े रूप में मिलता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। या ये भी हो सकता है कि किसी पार्टनर के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा पैसे का मुनाफा यहाँ मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। बस आपको चीज़ों को बहुत ट्रिक से समझना होगा, बहुत दिमाग लगा के समझना होगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, थोड़ा सा कहते हैं ना हल्का सा चालाकी करनी होगी। चालाकी इन द सेंस कि थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे अगर पप्पू बन के रहेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा स्मार्ट होने की ज़रूरत है आपको। चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती नज़र आ रही हैं, स्पेशली लाइफ में आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी कि एक नई लाइफ में आप एंटर करेंगे। यानी कि जो कुछ भी आपका रहने का तरीका था, सोचने का तरीका था, आपका जो कुछ खाने पीने का तरीका था, वो सारा कुछ यहाँ बदलते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है गाइस। बहुत ही मतलब किसी चीज़ का बहुत बड़ा आपको फ़ायदा इस मंथ में होता हुआ होगा, आप देखिएगा। आप मुझे ज़रूर से कमेंट करिएगा किसी ना किसी चीज़ का। किसी की शादी अगर नहीं तय हो रही, तो उनकी शादी एक बहुत अच्छे घर में यहाँ तय होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। या उनके पार्टनर को किसी बहुत चीज़ का बड़ा, एक बहुत बड़ा मनी का प्रॉफिट होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। या खुद आपको ही, अगर आप बिज़नेस करते हैं या कुछ काम करते हैं या कुछ भी, कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो उसका रिटर्न आपको मिलने वाला है। बहुत ही जल्द आपको वो रिटर्न मिलने वाला है। बस आपको थोड़ा सा हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ट्रिक लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा एक ज़माने के साथ कहते हैं ना कदम ताल मिला के चलने की ज़रूरत है। पुरानी सोचों से निकल के बाहर आ जाइए, नई चीज़ों को अप्लाई करिए अपने काम में, अपने वर्क प्लेस में, अपने आइडियाज़ में, तो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बदलती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपको लियोज सिंह राशि वालों, कि अगर कोई प्रपोजल आ रहा है तो इसको बहुत दिमाग से समझने की कोशिश करिएगा। मतलब कोई ऐसा मौका आपके पास आने वाला है जिसको आपको बुद्धिमानी से, कहते हैं ना बुद्धिमानी से परखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और अगर ये मौका आप ले लेंगे तो आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। पैसे का बहुत बड़ा फ़ायदा होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपको कुछ पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी अभी तक, तो आप देखिएगा कि इस मंथ के बाद आपके अप्रैल मंथ से ही आपको पैसे की एक ऐसी सूरत नज़र आने लगेगी जहाँ से आप पैसा निकाल सकें। पैसा आपकी लाइफ में पैसा आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। हो सकता है कि अभी तक आपने बहुत तंगी में या कमी में अपनी लाइफ को गुजारा हो, पर अब आगे ऐसा होने वाला नहीं है। मैंने आपसे बोला ना कि लाइफ बदलेगी, तो मतलब बदलेगी ही। पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सूरत से या किसी ना किसी सोर्स से आपके पास पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। और आपके पास पैसा आएगा, आपकी पूरी, आप अपने पूरे लाइफ के एक जो तरीका है, जो पैटर्न है, उसको पूरा चेंज कर देंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। जैसा होता है ना, इंसान एक छोटे से घर में रहता है, उसके बाद फिर वो एक बहुत बड़े महल जैसे घर में रहता है, ऐसा कुछ चेंज मुझे आपके यहाँ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है लियोज़।
सिंह राशि वाले, बहुत पैसे से लिए के लिए आपका ये बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है इस मंथ से आपका गाइस। तो मौके को चूकिएगा नहीं, उसे पहचानिएगा और उसको फटाक से उसको हाथ में ले लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अपने आइडियाज़ या जो भी कुछ आपको प्रपोजल मिल रहा है उसके बारे में, या जो भी कुछ आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ चल रही है, पैसे को बनाने किस तरह से बनाना है, किस तरह से पैसे को बढ़ाना है, वो किसी से भी शेयर मत करिएगा गाइस। सिंह राशि वालों, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। अगर आप मुझे देखते हैं तो ये आप कमेंट में मुझे आगे भी ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कभी ना कभी भविष्य में आप मुझको ये कमेंट ज़रूर करेंगे कि मैम आपने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि ऐसा 100% होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है गाइस। पैसा तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है। अब देखिए प्यार आपका कैसे रहने वाला है। अगर आप किसी लव कनेक्शन में हैं, आप मैरिड हैं या प्यार के बारे में आप सोच रहे हैं, तो देखें कि ये जो पावर ऑफ लव के कार्ड से ये आपके बारे में क्या कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपसे क्या कहा, ट्रांसफॉर्मेशन आपका बिल्कुल बदल जाएगा, आपका रवैया ही बदल जाएगा, आपका रहना सहना ही बदल जाएगा, आप अंदर से लेके बाहर तक अपने आप को बदल देंगे। ऐसा प्यार आपकी लाइफ में आने जा रहा है, या ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ, मतलब सोच बदल जाएगी, ये पर्सन आपकी सोच बदल देगा, ये पर्सन आपकी लाइफ बदल देगा, ऐसा ये पर्सन आपसे जुड़ने जा रहा है। जो लोग भी मैरिड हो और उनका पार्टनर में अगर उनको कुछ भी ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती हो, तो कहीं और भाग मत जाना, आप लोग भागने मत लगना इधर उधर, आप थोड़ा सा शांति के साथ रहना। देखना आपको अपने इसी पार्टनर की वजह से, आपको अपने इसी प्यार की वजह से आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ पलटने लगी है गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, मैंने बोला आपसे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। धरती से लेके अंबर तक की यात्रा कहते हैं इसको ना, स्टार बनने वाले हैं आप। कुछ तो आप ऐसा ज़रूर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि रातों रात एकदम लाइमलाइट में ले आना, उस तरह का चेंज मुझे आपका यहाँ होता हुआ मुझे यह नज़र आ रहा है। देखें कि स्पिरिचुअलिटी में क्या कह रहे हैं आज आपके लिए, आपकी ग्रोथ कैसे होने वाली है, या ईश्वर आपको, आपके खुदा, आपके भगवान, आपके अल्लाह, किसी भी रिलीजन से आप हो, वो आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो मैं शिव जी के ये कार्ड्स निकालती हूँ, शिव ओरेकल कार्ड्स हैं ये, देखते हैं कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं। लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन से, यानी कि जो भी कुछ करिएगा बिल्कुल डेडिकेशन से करिएगा, बिल्कुल जुट जाइएगा, सोचिएगा मत, कर्म करते जाइएगा, फल की इच्छा मत करिएगा, क्योंकि अब ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि आप जिस भी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो डायरेक्शन आपको कहाँ तक पहुँचा जाएगा, यानी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको भी पता है कि कभी ना कभी आपकी लाइफ इस वजह से चेंज होने वाली है, एक अंतर्मन आपका कहता है, वो समय आपका आ गया है। कोई पुराना आपका पास्ट का कर्मा, या किसी हो सकता है आपके मदर की का कर्मा, या आपके फादर का कोई कर्मा, कहते हैं ना कभी कभी हमारे माँ बाप के इतने पुण्य कर्म होते हैं कि उसका फल बच्चों को मिलता है, तो ऐसा कोई मिराकल आपकी लाइफ में इस मंथ में होने जा रहा है। वरना इस अप्रैल मंथ से आप देख लीजिएगा कि आपके पैसे की स्थिति सुधरने लगी है गाइस। तो जो भी आपकी विश हो वो कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इससे एनर्जीज क्लेम होती हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो बस शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हेलो वर्गो, यानी कन्या राशि वाले, कैसे हैं आप सब कुछ। तो आइए जानते हैं अप्रैल 2024 की क्या प्रेडिक्शन है आपके लिए, क्या कुछ होने वाला है लाइफ में, क्या चीज़ें लाइफ में मिलने वाली हैं, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, और यूनिवर्स या भगवान आपको क्या मैसेज देने वाले हैं, आइए जानते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, तो जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए इस अप्रैल मंथ में क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके किसी चीज़ का वेट कर रहे थे आप लोग, किसी चीज़ का वेट मुझे यहाँ आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत हाई एनर्जी में रहने वाले हैं इस वक्त आप। मैं और कार्ड ले लूँ फिर आपको बताती हूँ। वेट कर रहे थे, हो सकता है वेट कर रहे हो शादी का, किसी पार्टनर का,
वो आपको मुझे इस मंथ में यहाँ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग भी सिंगल हैं उनका या तो मैरिज फिक्स होगा या वो किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जिससे मिल के उनको लगेगा कि ये इनके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। किसी किसी की मुझे यहाँ शादी होते हुए नज़र आ रही है, शादी तय होते हुए नज़र आ रही है गाइस। एक अच्छा समय शुरू हो रहा है। अगर पैसे से लेके मैं बता दूँ आपको कि पैसे से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो, अगर मान लीजिए आपने कोई लोन अप्लाई किया हो या किसी से पैसे आपने मांगे हो तो वो मुझे यहाँ मिलते नज़र आ रहे हैं। या हो सकता है कि आपसे ही किसी ने पैसे लिए हों, आप उनसे वापस मांग रहे हों और उन्होंने अभी तक नहीं दिया हो, वो पैसे की वापसी भी मुझे इस मंथ में यहाँ होते हुए नज़र आ रही है गाइस। कुछ चीज़ों का आप वेट कर रहे थे जो चीज़ें आपको इस मंथ में मिलती हुई नज़र आ रही हैं गाइस। और अगर इस मंथ में कोई पर्सन आपसे जुड़ता है, यानी कि आपकी लव लाइफ को लेकर मैं बोल रही हूँ, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर बोल रही हूँ, अगर आपसे कोई पर्सन इस मंथ में जुड़ता है या ऑलरेडी अगर आप मैरिड भी हैं तो इस पर्सन की वजह से आपका लक चमकने वाला है। अगर आप किसी न्यू पर्सन से मिलने वाले हैं तो आपका लक चमकने वाला है। जो लोग मैरिड हो वो न्यू पर्सन को तलाश करने मत निकल जाइएगा, आपके ही पर्सन आपके लिए लकी होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। बिल्कुल आपकी धन की स्थिति भी बहुत अच्छी होने वाली है। जिन चीज़ों के लिए भी आप वेट कर रहे थे, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, शायद किसी प्रोजेक्ट के शुरू होने का, या कुछ तो आपकी कुछ तो खोज रहे हैं आप, कुछ खोज रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं आप। छोटे छोटे सपने नहीं हैं आपके, आपका तो कुछ बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा ड्रीम है। एक अच्छी पोजीशन पे आपको बैठना है। आपको लाइफ में सारी लग्जरी चाहिए, आपको लाइफ में पैसा चाहिए, किसी को भी चाहिए, सभी को चाहिए, लेकिन आपकी एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट निकल के आ रही है कन्या राशि वालों। बहुत ही एक बड़ा कुछ आप सोच रहे हैं, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपका तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का भी फ़ायदा होते हुए मुझे यहाँ नज़र आता है। यानी बहुत ही खूबसूरत सोच और बहुत खूबसूरत दिल के मालिक हैं आप इस मंथ, तो आपकी एनर्जी गजब की रहने वाली है। दूसरों को देने की मनोदशा रहने वाली है। अगर इस एनर्जी में आप आ जाते हैं तब तो आपकी एनर्जी अपने आप ही हाई हो जाती है, और अगर एनर्जी हाई हो जाती है तो जितनी भी अच्छी चीज़ें लाइफ में होती हैं, इस यूनिवर्स की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपकी तरफ दौड़ने लगती हैं। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अभी अपनी एनर्जीज़ को हाई करिए, उसकी यही वजह है, क्योंकि जितनी आपकी एनर्जीज़ हाई होंगी आपकी तरफ अच्छी चीज़ों का अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जुड़ने वाला है या ऑलरेडी जुड़ चुका है जिसकी वजह से आपका लक इन्हांस होगा, लकी होने वाले हैं। जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे थे, जिस किसी समय का आप वेट कर रहे थे या जिस किसी एक ऐसे मौके का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो मौका मुझे यहाँ मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है अप्रैल के इस मंथ में गाइस। आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होने वाली है। अभी मैं वैसे लव कार्ड्स भी निकालूंगी आपके। आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। अपने मन चाहे साथी से, आप जो भी जिससे भी अगर आपकी शादी तय हो रही है, अगर वो अरेंज मैरिज भी है तो भी वो आपकी पसंद का पार्टनर होगा, या ये भी हो सकता है कि जिससे आपका लव रिलेशनशिप था उनसे ही आपकी मैरिज सेटल हो जाए। आपकी पसंद का पार्टनर आपको मुझे यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक अच्छी लाइफ शुरू होते हुए मुझे यहाँ आपकी नज़र आ रही है गाइस। अभी तक मैंने पीछे जितनी भी रीडिंग्स करी हैं एरीज के लिए, टॉरस के लिए, जेमिनीज के लिए, ऑलमोस्ट सबका ही मुझे ठीक ठीक दिखा। किसी किसी में कुछ कुछ चीज़ें मुझे नज़र आई हैं, लेकिन ओवरऑल जो है चीज़ें अभी तक ठीक जा रही हैं। कोई बहुत ऐसी चिंता की बात नज़र नहीं आ रही मुझे अभी आपकी इस रीडिंग में भी, अच्छी हैं। जबकि बहुत अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है। अगर कहीं लोन अप्लाई किया है तो ज़रूर वो लोन आपका सैंक्शन होने वाला है, पैसा आने वाला है आपकी लाइफ में। पैसा तो आने वाला है लेकिन आप खर्च नहीं करना चाहते, पैसे को जोड़ना चाहते हैं। यानी कि हो सकता है पहले आपने बहुत ज़्यादा पैसे लोगों को दे दिए हो, किसी ने भी आपसे प्यार से मांगा हो या ऐसे प्लीज़ करके मांगा हो कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, आपने उसकी हेल्प कर दी हो, पर आपको उसकी हेल्प करने के बाद जब पैसा रिटर्न वापस नहीं मिला हो तो आप परेशान हो गए हो, आपको पैसे की अहमियत समझ में आई हो। इस वजह से अब क्या करेंगे आप कि अब आप किसी को भी कोई फालतू पैसा देने वाले नहीं है, पैसे को बहुत पकड़ के रखने वाले हैं, पैसे को बहुत संभाल के रखने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं। यानी कि आपके पास पैसा आएगा तो, लेकिन आप उसको
इधर उधर फालतू में नहीं खर्च करेंगे, पैसे को पकड़ के रखने वाले हैं, पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे या जितनी आपकी ज़रूरत है उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं। जोड़ने की मुझे आपकी यहाँ एक माइंड सेट नज़र आ रहा है, पैसा जोड़ेंगे अब आप। मैंने आपसे अभी क्या कहा कि ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है वो आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है या वाली है। आपकी लाइफ में सब कुछ मतलब कि एक सुख और सौभाग्य से आपका जीवन यहाँ पे मुझे अप्रैल मंथ में शुरू होते हुए नज़र आ रहा है गाइस। कितनी भी कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में पहले हो, इस समय में वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ एकदम सारी एक बस छड़ी चली, कोई मैजिकल छड़ी चली और सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं। लेकिन चीज़ें ख़त्म होने शुरू हो जाएंगी और अच्छी चीज़ें स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगी, ऐसा आप फील करोगे। धन की स्थिति जो भी आपकी रुकी थी वो आगे बढ़ने लगेगी, पर धन भी अब आप बहुत ऐसा नहीं इफरात अगर है भी तो खर्चा नहीं करोगे इतना, संभाल संभाल के पैसे को पकड़ पकड़ के चलने लगोगे अब आप। अभी भी दूसरों के लिए ये करना है, दूसरों के लिए वो करना है, ऐसी आपका माइंडसेट मुझे यहाँ नज़र अभी भी आता है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत दिल के लोग हो आप लोग वर्ग राशि वाले, बहुत बहुत बढ़िया। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ में क्या सजेशन निकल के आ रहा है। यूनिटी, मैंने आपसे कहा ना, ये जो भी पार्टनर है आप ऑलरेडी मैरिड हो तब भी, या कोई नया पर्सन आपसे जुड़ रहा है तब भी, ये आपके लिए बहुत लकी होने वाला है। बस एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे पे विश्वास करने की ज़रूरत है, चीज़ों को शेयर करिए, कुछ भी छुपाइए नहीं, एक ट्रांसपेरेंट अपने पार्टनर से एकदम ट्रांसपेरेंट रहने की ज़रूरत है आपको। मतलब ये पर्सन आपको इतना हायर वाइब्रेशन में कर देगा कि आपको प्यार का सही मतलब समझ में आ जाएगा। कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो ईश्वर भी उसके आगे रास्ता बना देता है ना, उस तरह की एनर्जी में आप आने वाले हो इस पर्सन की वजह से, अपने प्यार की वजह से। बहुत अच्छा मंथ आपका रहने वाला है गाइस, इसलिए एनर्जीज को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। कमेंट में जो भी आपकी विश है उसको ज़रूर लिखिएगा, इससे एनर्जीज क्लेम होती है गाइस। देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, किस तरह के पर्सन हैं आप और ईश्वर आपको कौन सी मैसेज देना चाह रहे हैं। कोई भी जिस भी रिलीजन के हों, आपको आपके एंजल्स, आपके वाहेगुरु, आपके अल्लाह, कौन सा आपको क्या मैसेज देने जा रहे हैं, मैं शिव ओरेकल कार्ड से निकालती हूँ। देखिए क्या कहते हैं। डिलेज, मैंने बोला आपका जो कुछ भी लाइफ में जैसा भी चल रहा था चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें अच्छी शुरू होने लगेंगी। अभी अगर कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में किसी वजह से नहीं थी तो शायद ये सही समय नहीं था आपके लिए। आपका सही समय अब शुरू होने वाला है। थोड़ा सा अगर कोई चीज़ डिले भी हो रही है तो परेशान मत होइएगा, चीज़ें बहुत अच्छाई की तरफ बढ़ रही हैं गाइस। तो एक राइट टाइम का इंतज़ार करिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में। अप्रैल का मंथ ओवरऑल अच्छा है आपकी लाइफ में, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छी अच्छी एनर्जीज़ के साथ आप जुड़ेंगे, बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है गाइस। तो एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिएगा वर्गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, तो लिब्रेंस यानी तुला राशि वालों, कैसे हैं आप सब? तो आइए जानते हैं कि इस अप्रैल मंथ में यानी 2024 अप्रैल मंथ में आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, टैरो का क्या है प्रेडिक्शन, आइए जानते हैं। लिब्रा राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 में क्या है, ओहो ओके, क्या निकल कर आ रहा है आप लोगों के लिए अप्रैल में, क्या है प्रेडिक्शन, किस चीज़ का इतना दुख है, क्यों दुख में इतना डूबे हो। ओके, कोई सिचुएशन है जो जिसने आपको बहुत ही दुखी करके रखा हुआ है, परेशान है आप, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तुला राशि वालों, लाइफ में कुछ तो ऐसा आपके हो गया है जिसकी वजह से आप बहुत सैड मूड में हैं इस समय, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, दुखी हैं, आपको लग रहा है आप किसी से बात नहीं करनी है, लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरे पास तो है ही क्या, इस तरह के माइंडसेट में आप मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुछ तो लाइफ में आपके प्रॉब्लम ज़रूर आई है। ज़रा मैं इसको क्लियर करूँगी कि क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, किस वजह से आप इतना सैड हैं, इस समय दुखी दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब कुछ
रुक गया है, खत्म हो गया है, किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी है आपने, वो चीज़ आपको मिली नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, दुख तकलीफ हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड बता रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे इस मंथ में, किसी बुरी सिचुएशन से, किसी बुरी परिस्थिति से, किसी बुरे रिश्ते से या किसी बुरी घटना से जो आप जूझ रहे हैं, उस चीज उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे गाइस। और सबसे बड़ी बात देखिए, 5, 6, 7 का कार्ड आया है, सीक्वेंस में कार्ड आया है, इसलिए लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी उथल पुथल अभी आपकी लाइफ में चल रही थी, जिन भी चीज़ों के लिए आपने मेहनत करी थी, वो चीज़ें आपको जो नहीं मिल रही थी वो अब आपको मिलेंगी। लेकिन तब मिलेंगी जब आप अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा बैलेंस कर लेंगे। चीज़ें जो भी एक बुरा समय आपकी लाइफ का था वो निकलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। किसी ने शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, किसी ने शायद आपको आपकी बहुत ज़्यादा जुगली करी है, आपको बहुत बदनाम किया है, आपके बारे में बहुत अफवाहें फैलाई हैं। ऐसी सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, पर उन सारी तकलीफ़ों से इस मंथ में आप निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो जो भी सारी चीज़ें थी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ गलत इल्ज़ाम लगाया था या आपकी बदनामी करी थी, वो चीज़ें बाहर आने लगेंगी, लोगों के सामने आने लगेंगी। आप इस सिचुएशन से ओवरऑल बाहर निकल जाओगे गाइस, परेशान मत होइए। आपको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर इतनी भी ख़राब नहीं है। देखिए, सिचुएशन अभी भी अच्छी हो सकती है, पर आपने होप खो दिया है। आपको थोड़ा सा अपने एनर्जीज पे काम करने की ज़रूरत है। आप किसी बैड सिचुएशन से मुझे निकलते हुए तो डेफिनेटली नज़र आ रहे हो इस मंथ में गाइस। तुला राशि वाले, देखिए तुला राशि वाले, आपका साइन क्या है? तराजू है आपका साइन, आपने देखा ही होगा। तो तौल के यानी कि बैलेंस करके चीज़ों को चलिए। आप करते हैं तो इतना ज़्यादा कर देते हैं तो दूसरे लोग सोचने लगते हैं कि आप तो बस करने ही के लिए आए हैं इस लाइफ में। नहीं, ऐसा मत करिए, ज़रा तौल तौल के देखिए रिश्तों को, अपने आसपास के लोगों को, कि आप जिनके लिए इतना कर रहे हैं क्या वो भी आपके लिए इतना करते हैं, या पलट के कुछ भी करते हैं आपके लिए। तो इन चीज़ों में आपको एक बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। सिर्फ करते ही मत जाइए, गिव एंड टेक नहीं होगा किसी भी चीज़ में, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो चीज़ें आगे तक नहीं जाती हैं गाइस। पर आपने बहुत ज़्यादा किया है लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए, और किसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची, उस दुख से आप डेफिनेटली इस मंथ में निकल जाओगे। बस आपको थोड़ा सा अपने एनर्जीज पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा फोकस करिए अपने आप के ऊपर, अपने ऊपर थोड़ा फोकस करिए गाइस, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरों के लिए करते हो आप, बेहद करते हो, मुझे यहाँ तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत दिल के और बहुत ही दया से भरे हुए ना हम्बल पर्सन हो आप। मैं अभी और कार्ड्स लेते हैं ज़रा आपके लिए, तुला राशि वाले आप लोगों के लिए। हाँ, मैंने बोला ना, चीज़ों को ज़रा तौलिए, देखिए थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं उन चीज़ों को साफ साफ बात कर लीजिए, दो टुक जवाब दे दीजिए, बस उन चीज़ों को लेके बैठिए मत, सोचते मत रहिए, घुटते मत रहिए। साफ साफ बोल दीजिए कि ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग तो हैं आपकी लाइफ में जो आपको परेशान करते हैं, लेकिन आप इस मंथ में इन परेशानियों से निकल जाएंगे, वरना कमर कस लेंगे कि बस अब और नहीं, मुझे अभी चीज़ें और नहीं झेलनी है। आपकी एनर्जी चेंज डेफिनेटली होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही है। देखिए सब तलवार ही तलवार के कार्ड निकल रहे हैं, चीज़ें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी आपके सामने। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी अपनी भी कोई एक वैल्यू हो सकती है। लोग शायद आपकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, पर इस मंथ में आप अपनी वैल्यू करने लगेंगे। आपको तुला राशि वाले, आपको समझ में आने लगेगा कि चीज़ें बराबर से होती हैं तभी सही होती हैं, वरना ये तो वही वाली बात हो गई कि बस करते जाइए और पलट के मिलता कुछ नहीं है और अपयश बदनामी मिलती है। आप ये सारी सच्चाई जान जाएंगे, इतना दिमाग आपके आ जाएगा, इतनी विजडम आपकी हो जाएगी, इतना आपके एक सोचने समझने की जो शक्ति है वो आपने इतना ज़्यादा लोगों के लिए किया कि आपने अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दिया। आपकी हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है गाइस। बिल्कुल, आपको अपनी थोड़ा सा अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। चीज़ें सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी कि आप उनको सोच रहे हैं। लोग इतना आपका बुरा नहीं कर पाएंगे जितना कि आप सोच रहे हैं। जो भी कुछ उन्होंने किया है उससे डट के मुकाबला करिए, आप इन चीज़ों से निकल आएंगे। देखिए और आगे
क्या कार्ड्स बता रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल, मैंने कहा ना, जरा सा डट के खड़े हो जाइए, कमर कस लीजिए, थोड़ा सा दो टूक बात करने की आदत डाल लीजिए, बहुत भोले और सीधे तरह के लोग हो आप लोग। तो इस मंथ में मैं आपको क्या, इस मंथ में हो क्या रहा है कि आप अपने लिए खड़े होना शुरू कर देंगे, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर देंगे, अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे और अपनी पहचान बनाएंगे, अपने आप से आप प्यार करेंगे। गाइस, ऐसा इस मंथ में होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में चल रही थी तो उससे डेफिनेटली आप मुझे यहाँ निकलते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, बिल्कुल। और जो भी आपकी दिली इच्छा हो ना, जो भी आपकी एक विश हो, उसको कमेंट में ज़रूर 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 लिखिएगा, उससे एनर्जीज हाई होती हैं और एनर्जीज क्लेम भी होती हैं। आइए जानते हैं कि आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सजेशन आ रहा है। टॉलरेंस, सी, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, इतना बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं है गाइज आपको। मतलब आप जो भी कुछ करते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लोगों को लगता है कि बस आप तो करने ही के लिए बनना है। इसलिए अब आपको जो है, आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि लोग आपका भी एक वजूद है ऐसा समझ सकें। मैं देखती हूँ आप स्पिरिचुअलिटी में कार्ड्स क्या कहते हैं, मैं शिव ओरेकल कार्ड यूज़ करती हूँ, कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में, आपको क्या सजेशन दे रहे हैं। तो आप जिस भी कम्युनिटी के हों, जिस भी रिलीजन के हों, वो एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपके खुदा, आपके ईश्वर आपको क्या गाइड कर रहे हैं, वो मैं इन कार्ड्स के थ्रू निकालती हूँ। ओके, देखिए सेल्फ केयर का कार्ड आया है, टेक अ ब्रेक, आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। मैंने बोला ना, आप बस करते ही मत चले जाइए, अब अपने लिए समय निकालिए, अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, अपने आप को खूबसूरत बनाइए, अपने आप को, कोई भी अगर आपका काम अधूरा पहले कभी रह गया था, हो सकता है आपकी पढ़ाई छूट गई हो, उस पढ़ाई को पूरा कीजिए, हो सकता है कोई ऐसा काम करते हो आप पास्ट में जो आपको बहुत खुशी महसूस कराता हो, उसको फिर से शुरू करिए, या कोई भी ऐसा काम शुरू करिए जिससे आपको अच्छा लगे, आपको खुशी महसूस हो। आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है, दूसरे आपको कब समझेंगे इसकी चिंता मत करिए, अब आप अपने लिए मेहनत करिए, अपने लिए काम करिए, ऐसा कार्ड बता रहे हैं। अप्रैल मंथ में आपको अपने लिए आवाज़ उठानी आ जाएगी, आपको समझ में आएगा कि मतलब सेल्फ केयर क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है, इस पर जाने की ज़रूरत है। अपने आप से आप प्यार करिए, दुनिया अपने आप ही आपसे प्यार करने लगेगी गाइस। तो इस मंथ में दिखाई दे रहा है कि किसी बहुत बैड सिचुएशन से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा हेल्थ आपका 19-20 हो सकती है, तो अपना हेल्थ चेकअप करा लीजिएगा, अच्छा रूटीन फॉलो करिएगा, अच्छा खाना खाइएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा। बाकी अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने आप को इग्नोर मत करिए। अगर आप अपने आप को ही इग्नोर करेंगे तो दूसरे तो आपको डेफिनेटली इग्नोर करेंगे, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप से प्यार करिए, चीज़ें देखिएगा, अपने आप पलटती चली जाएंगी गाइस। तो कमेंट में जो भी आपकी विश हो उसे ज़रूर लिखिएगा। तुला राशि वाले, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपने शायद चीज़ों को बहुत बड़ा रूप दे दिया है, तो उसका एक पॉजिटिव साइड देखिए, थोड़ा पॉजिटिव होइए, लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सकें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों, कैसे हैं आप सब। देखिए अप्रैल के इस मंथ में यानी 2024 की क्या है प्रेडिक्शन अप्रैल मंथ की, तो आइए जानते हैं कि अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या प्रेडिक्ट कर रहा है आपको अप्रैल मंथ, टैरो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मैं आपकी लव लाइफ के बारे में भी बात करूँगी, मैं आपकी मैरिड लाइफ के भी बारे में बात करूँगी। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में क्या ग्रोथ है, आपको क्या करना चाहिए, ये भी बताऊंगी। तो आइए देखते हैं अप्रैल 2024 की क्या है प्रेडिक्शन। वृश्चिक राशि वालों, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, वाह, ये तो स्टार्टिंग ही एकदम गजब की हो गई है। यानी कि स्कॉर्पियंस, कुछ लाइफ में ऐसा मौका आने वाला है जिससे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। कोई सिचुएशन, फैमिली में कोई ऐसा समारोह या उत्सव होने वाला है, या कोई ऐसा कुछ भी ऐसा होने वाला है जिससे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होगी, इकट्ठे होंगे सब, बहुत अच्छा एक समय आप बिताएंगे, कुछ ओवरऑल किस चीज़ का आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जरा देखिए किस चीज़ का सेलिब्रेशन है वो। इस मंथ में कुछ सेलिब्रेशन तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है, किसी चीज़ को अचीव किया है आपने, कोई एक बड़ा काम किया है, हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुली हो गया हो, या किसी कंपटीशन की आपने तैयारी की हो, उस कंपटीशन को आपने अचीव किया हो, या कुछ भी लाइफ में कुछ भी
आपने कुछ तो अचीव किया है जिसकी सेलिब्रेशन यहाँ पे मना रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग के साथ। कोई ऊंची पोस्ट, कोई ऊंचा ओहदा मुझको आपको मिलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसी पोजीशन आपको मिल गई हो कि जिसकी वजह से लोग आपका बहुत रिस्पेक्ट आपकी कर रहे हो, बहुत आपका मान सम्मान यहाँ बढ़ गया हो, ऐसा मुझे यहाँ स्कॉर्पियंस के लिए नज़र आ रहा है। यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए इस मंथ में फेम आ रहा है, नेम आ रहा है, फेम आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जिसमें बहुत सारे लोग आपके साथ चलते हों, तो उसमें भी आपका एक बहुत बड़ा नाम होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। गाइस, अप्रैल मंथ में ओवरऑल आपके लिए बहुत मुझे बढ़िया दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस मंथ में आपका नाम, आपको शोहरत आपकी बढ़े, और क्या चाहिए लाइफ में, सेलिब्रेशन हो रहा है, चीज़ में आप खुशी मनाते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। बहुत मेहनत कर रही है आपने इस काम के लिए, जो कुछ भी लाइफ में, जिस चीज़ पे भी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, उस काम के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। और ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा हताश हो गए हो, पर अचानक से समय ने करवट ली हो या ले रहा हो, या इस मंथ में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। गाइस, पेंटिकल्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली पैसे से भी आपकी स्थिति मजबूत हो रही है। गाइस, हो सकता है आप कोई यूट्यूबर हो, या ये भी हो सकता है कि आप यूट्यूब पे अपना कोई चैनल खोलना चाहते हो, सोशल मीडिया पे हो, या कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आपको एकदम से बहुत ज़्यादा फेम मिलता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। हो सकता है आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, कुछ बहुत अच्छा बोलते हो, लोग आपको सुनने की कोशिश करते हो, आपको सुनना चाहते हो, इतना गजब का आपका आप बोलते हो तो लोग बस आपको ही सुनना चाहते हो। ऐसी मुझे आपकी एनर्जी यहाँ मुझे नज़र आ रही है अप्रैल के मंथ में। ओवरऑल ये है कि आपको इस मंथ में फेम मिलने वाला है, प्रसिद्धि मिलने वाली है, प्रसिद्धि मिलने वाली है। इस प्रसिद्धि की वजह से आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। गाइस, अच्छा समय आपका शुरू हो गया है। गाइस, आप बहुत अच्छी तरीके से, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो, आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से रखते हो, यानी कि आप अपने पहनावे पे, अपने खाने पे, हर चीज़ पे बहुत ध्यान रखने वाले हो इस मंथ में। क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि लोगों की नज़र आपके ऊपर है, तो आप अपने आप को बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से शो करते हो, बहुत प्रेजेंटेबल तरीके से आप रहते हो, आपका एक स्टाइल हो, ये सारी चीज़ें आप मुझे इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं करते हुए। तो ओवरऑल ये है कि आपका इस मंथ में प्रसिद्धि तो बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे, और किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली, कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कोई भी ऐसी न्यूज़ हो सकती है आपको मिलने वाली हो, जिससे आपको एकदम से बहुत ज़्यादा एक ऐसी खुशी मिले कि जिसकी आप तलाश में जाने कितने टाइम से आप थे उस तलाश में। गाइस, तो इस मंथ में आपको किसी चीज़ की बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपको प्रसिद्धि मिलने वाली है, किसी चीज़ को अचीव करते हुए आप मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, उसमें आपको जीत मिले, किसी, मैंने पहले बताया, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपने जीत हासिल करी हो, या किसी भी चीज़ को लेके जीत हासिल करते हुए आप मुझे यहाँ नज़र आते हैं। गाइस, तो स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि वाले, आप लोगों का ये मंथ, अप्रैल का जो मंथ है 2024 का, ये बहुत अच्छा होने वाला है। गाइस, आइए देखते हैं आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ में क्या सजेशन आ रहा है। मैं पावर ऑफ लव के कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं क्या सजेशन आ रहा है। ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट का कार्ड आया है, इसने बताया है कि आपको हर अपने जो पार्टनर है उस पर तो आप ट्रस्ट करिए, लेकिन आपको अपने अंतर आत्मा पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर से कोई आवाज़ आ रही है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उसे मत करिएगा, वो चीज़ सही नहीं निकलेगी आपके लिए फ्यूचर में। इसलिए अपने अंतर मन से जुड़ने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करिएगा, उससे क्या होता है आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत हायर वाइब्रेशन में हो जाती है, तो आप चीज़ों को जो आपके अंदर से आवाज़ निकलेगी ना, उससे आप कनेक्ट कर पाओगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने पार्टनर से, अपने जो भी आपका लव रिलेशन चल रहा हो, उसके साथ आपको बहुत ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है, उन पर ट्रस्ट करिए, अपनी बातों को शेयर करिए, और उनकी भी जो बातें हैं उनको सीरियस होकर सुनने की कोशिश करिए, यानी कि इस रिश्ते में ट्रस्ट की ज़रूरत है। शायद आप अपने पार्टनर को इतना ट्रस्ट नहीं करते हो,
किसी भी वजह से, वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन ट्रस्ट का कार्ड आया है तो ओवरऑल ये बता रहा है कार्ड कि आपको अपने पार्टनर पे और अपने ऊपर भी थोड़ा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है गाइस। बहुत अच्छा होने वाला है मंथ आपका, खुशियाँ मनाइए, जश्न मनाइए। आइए देखते हैं शिव ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज मिल रहा है आपको। शिव जाप, ओके। देखिए आप या तो कोई रुद्र का मंत्र करिए, शिव जी का जो रुद्र मंत्र है आप तो या तो उसका जाप करिए या ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ये जाप आपको, जब आप रुद्राक्ष की माला से इसका जाप करेंगे तो ये आपके एनर्जीज को बहुत हाई करेगा और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी तक रुकी हुई हैं उन चीज़ों में एकदम से मूवमेंट आ जाएगा, एक्टिवेट हो जाएंगी वो चीज़ें जो कि जैम हो गई हैं, कहीं रुक गई हैं, जो आगे नहीं बढ़ रही हैं। यानी कि आपको जो भी प्रसिद्धि मिलने वाली है या मिल गई है या जिस चीज़ को भी आपने अचीव किया है उस चीज़ को बनाए रखने के लिए, उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए आपको शिव जाप करना चाहिए, नहीं तो रुद्र मंत्र करना चाहिए, नहीं तो रुद्र अभिषेक कराना चाहिए। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ शिव के कार्ड बता रहे हैं गाइस। तो स्कॉर्पियंस आपके लिए अप्रैल मंथ बहुत अच्छा होने वाला है, एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा और जो भी कुछ आपके विश हो कॉमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल सजिटेरियस यानी धनु राशि वाले, अप्रैल 2024 की क्या है प्रिडिक्शन, क्या होने वाला है आपके साथ, देखते हैं 24 अप्रैल 2024 में क्या आपको मिलने वाला है, टैरो से क्या गाइडेंस निकल रही है आपके लिए। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, धनु राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 की क्या है प्रेडिक्शन। बहुत बैलेंस में आने वाले हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, किसी दो कामों में लेके अगर आप विचार कर रहे थे कि किस काम को आपको करना है किस काम को नहीं करना है, ये आपको इस मंथ में समझ में आने वाला है। या अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। अपने एनर्जी पे काम करेंगे, अपने अंदर काम करेंगे, यानी कि अपने मटेरियल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, सब में एक बैलेंस मिलाते हुए आप मुझे बिठाते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। और हो सकता है कि कोई प्रपोजल आपको मिले, कोई इन्विटेशन आपको मिले, आपकी लाइफ में कोई किसी भी तरह का कोई ऑफर आता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है गाइस। और कार्ड्स लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए ओके। देखिए अगर आपको किन्हीं दो लोगों में कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, यानी कि अगर आपकी लाइफ में, मैं आपकी लव लाइफ से ये रिलेटेड ये बात बता रही हूँ, अगर आपको किसी दो लोगों में ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि किसको चूज़ करना है, किसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, तो इस महीने में आप मुझे वो चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी एक को आप, जो आपके लिए बेहतर होगा उसको आप चूज़ कर लेंगे, यानी कि कोई ज़्यादा अच्छा ऑफ़र आपको जिनकी तरफ से मिल रहा है, अच्छा ऑफ़र इन द सेंस कि अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए करेक्ट है, राइट है, दूर तक आपका साथ निभाएंगे, आप कुछ समझते हैं, आपकी केयर करते हैं, ऐसे पर्सन से आप मुझे यहाँ पे कमिटेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ भी अगर लाइफ में आपके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही थी, हो सकता है आपके वर्क प्लेस में ऐसा हो, आपकी जॉब में हो, या कहीं पे भी किसी फ्रेंड सर्कल में ऐसा हो, फैमिली में भी हो सकता है, तो वो झगड़ा मुझे यहाँ सलटते हुए नज़र आ रहा है गाइस। किसी चीज़ के लिए आप बराबर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का रिज़ल्ट आपको इस मंथ में दिखने लगेगा। जिस काम के ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है आपने और आपको लगता है कि ये काम अगर आपका हो जाएगा तो आपने एक होप बिठा रखी है कि इस काम में कुछ अच्छा रिज़ल्ट आए, तो वो रिज़ल्ट आपको इस अप्रैल मंथ में दिखाई देने लगेगा धनुराशि वालों। हो सकता है कि आपका जगह का आप शिफ्ट करें कहीं पे, कहीं हो सकता है कोई किसी नए घर में आप जाएं, या हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या कोई भी एक नई प्लेस पे आप मुझे यहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। जी हाँ, हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में ही कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों कि जिसकी, और आपका
बिजनेस में आप दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपका जॉब में कुछ उतना अच्छा नहीं हो पा रहा हो जितना कि आपने सोच के ये जॉब ली थी, तो हो सकता है कि आप साइड में एक बिजनेस भी डालते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं गाइस। तो ये मंथ बहुत बैलेंस का है, बहुत काम करने का है और बहुत चीज़ों को समझने का है, यानी कि तालमेल बिठाने का है। किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप देख रहे हो, उस चीज़ में आपको बहुत तालमेल बिठाने के लिए कार्ड्स बोलते हैं गाइस। ये मंथ आपका सही है, ओवरऑल सही मुझे दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा जो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करिएगा, उसको आगे मत ले जाइएगा, क्योंकि ये मंथ ऐसा दिखा रहा है कि जो ख़राब चीज़ें हैं आपकी लाइफ से वो मुझे यहाँ जाती हुई नज़र आ रही हैं गाइस। देखिए आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ के लिए द पावर ऑफ लव के मैं कार्ड्स में से देखती हूँ। सी कमिटमेंट, देखिए मैंने आपको बोला ना कि अगर आपकी लाइफ में एक पर्सन से ज़्यादा कोई है और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है आपके लिए रिश्ते आए हों बहुत सारे, उसमें से आप किसी को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो इस मंथ में आप उस पर्सन को चूज़ कर पाएंगे, उसे कमिटमेंट देंगे, या हो सकता है कि आपको आपके लव पार्टनर से कोई कमिटमेंट मिले। अगर ये मैरिड लाइफ के बारे में है, अगर मैरिड कपल इसे देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में अब थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा और एक दूसरे को समझने की समझेंगे वो, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, एक दूसरे की परवाह करेंगे, यानी कि लव के मामले में आपका अप्रैल मंथ बहुत ही खूबसूरत जाने वाला है गाइस। अब मैं शिव ओरेकल कार्ड से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ। देखें शिव जी क्या कहते हैं। बुल नंदी, यानी कि नंदी जी का कार्ड आया है, आपको ये बता रहे कार्ड ये बताता है कि आपको अगर आप स्पिरिचुअल हैं, और अगर आप नहीं भी हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी में जाके कुछ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, या अपने ईश्वर पे, अपने अल्लाह पे, या जिस किसी को भी आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में रुकी हुई थी वो बेहतरी की तरफ मुझे यहाँ जाती हुई नज़र आ रही हैं गाइस। और आपको इसमें एक सक्सेस मिलती हुई मुझे यहाँ नज़र आती है, क्योंकि अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपका काम रुक रहा है, अटक अटक के चल रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, तो आपको अपने पूजा पे, अपने ईश्वर पे विश्वास करने की ज़रूरत है। उन पे सब कुछ छोड़ दीजिए और फिर देखिए आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे, यानी कि सरेंडर की स्थिति में आ जाइए। आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, जो होता है उसकी मर्ज़ी से होता है, ऐसा सोच के आगे बढ़िए। आपके जो बिगड़े हुए काम है ना वो भी बनने लगेंगे गाइस। तो ओवरऑल ये अप्रैल का मंथ आपके लिए अच्छा जाने वाला है, बस थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा या किसी से तू तू मैं मैं को अवॉइड करिएगा गाइस। और जो भी आपके विश हो, जो भी इस वक्त आपके मन में विश चल रही हो, उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि विश लिखने से वो विश आपकी तरफ, वो एनर्जी आपकी तरफ खींची चली आती है गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हेलो ऑल कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वाले, अप्रैल 2024 की क्या है प्रेडिक्शन, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या होने वाला है, आइए जानते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आप स्पिरिचुअली कितना आगे बढ़ने वाले हैं। तो अप्रैल 2024 की प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था पर उसका रिजल्ट अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा है, उसका आप वेट कर रहे हैं यहाँ पे। बैलेंस का कार्ड आया, थोड़ा पेशेंस रखिए, आप देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। जी हाँ, हो सकता है कि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो वो कुछ पैसे से रिलेटेड यहाँ मुझे चीज़ नज़र आती है, मनी का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया होगा तो उसकी वापसी आप चाहते हैं कि अच्छी हो, या जिस किसी भी काम पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उस काम का रिज़ल्ट आपको इस मंथ में मुझे यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए,
यानी कि मकर राशि वाले, आप लोगों को थोड़ा बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, कुछ तालमेल बिठाना है किसी भी चीज़ से। हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स में या अपने लव लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा करके मत सोचिए, अगर छोटी छोटी कोई प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बड़ा करके मत सोचिए गाइस, उनको धीरे से निकल जाने दीजिए। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ में, और जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हैं, जिसमें आपने बहुत मेहनत करी थी, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ऐसा एनर्जीज बता रही हैं। पैसे का कोई मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, या पैसे से रिलेटेड अगर कोई काम आपका रुका हुआ था वो मुझे यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि आप कुछ नया काम इस मंथ में शुरू करें। मकर राशि वालों, कैप्रिकॉर्न्स, कुछ नया काम शुरू करते हुए यहाँ आप मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए आप क्या बता रहे हैं कार्ड साहब के लिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। मैंने कहा ना, कुछ नया काम आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, उसका रिजल्ट आपको नहीं आ रहा था, वो रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। फॉर्च्यून का कार्ड आया है यानी लक का कार्ड आया है, आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है ये मंथ। कुछ भी, जो भी कुछ आप इस मंथ में शुरू करेंगे या जिस किसी चीज़ पे भी आप इस मंथ में काम करेंगे, उसमें तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इसलिए जो भी आपके विश हो मन में इस वक्त, जो भी कुछ चल रहा हो, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इससे एनर्जीज आपकी तरफ खींची चली आती हैं, क्लेम होती हैं। ये बहुत लकी मंथ होने वाला है आपका गाइस। आप पूरे मंथ में, जब आप पूरे मंथ आपका निकल जाए, फिर आप देखिएगा कि मैंने जो कहा है वो एकदम सच हुआ है। कुछ तो ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसका आपको वेट था, जिसका आप, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया था, जिसके आपको, जिसका नतीजा आप तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था, उन चीज़ों में आपको आगे बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। पैसे का मुनाफा होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आपकी लव लाइफ चल रही है या आप मैरिड हैं, तो आपके उस लाइफ में भी बहुत अच्छा मुझे, आप एक अच्छा दोनों के बीच में तालमेल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है गाइस। मैं एक कार्ड और लेती हूँ, फॉर्च्यून का कार्ड आया है, इसलिए विश को ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। लीजिए, आपकी तो बेहतरीन बेहतरीन ही बेहतरीन से भी बेहतरीन कार्ड आ गया है, और क्या चाहिए। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ द सन के कार्ड आया है, चमकने वाले हैं इस मंथ में आप, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अगर घर में, हो सकता है कि किसी का बर्थ आपके घर में हो, कोई छोटा बच्चा आपके घर में आने वाला है, किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिलने वाली है। अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपको, अगर आप बेबी प्लान कर रहे थे तो उसकी खुशखबरी आने वाली है। आपके काम से लेके जो भी कुछ चीज़ें रुकी हुई थी वो मुझे यहाँ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों में बहुत ज़्यादा, हर चीज़ें बहुत ज़्यादा आपका, मैंने आपको बोला ना कि बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप अगर बैलेंस करते हैं अपनी लाइफ में, हर चीज़ों का एक तालमेल बिठाते हैं, तो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं आपकी लाइफ में। एक मूवमेंट आ रहा है, एक बहुत फास्ट होंगी चीज़ें, अब जो चीज़ें रुक रुक के धीरे धीरे घिसट घिसट के चल रही थी, उन चीज़ों में मूवमेंट मैं यहाँ देख पा रही हूँ गाइस। आपके एंजल्स का, आप जिस भी शक्ति की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, या जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी धर्म से हो, उन ईश्वर की, उन अल्लाह की बहुत आपके ऊपर मुझे यहाँ एक ब्लेसिंग दिखाई दे रही है गाइस। ये मंथ ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा होने वाला है कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए, इसलिए इस एनर्जी को लिखने से एकदम मत चुकेगा। कुछ जो भी आपके विश हो उसको कमेंट में ज़रूर लिखेगा। मैं देखती हूँ आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ में कार्ड्स क्या बताते हैं। कंपैशन का कार्ड आया, देखिए दिल का जो मामला है उसमें दिमाग मत लगाइएगा, दिल से ही सोचिएगा, यानी कि जिससे प्यार करते हैं आप उसके लिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लॉजिक्स मत ढूंढिएगा। दिल की चीज़ें हैं, दिल पर छोड़ दीजिएगा, यहाँ दिमाग लगाया आपने तो चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं। इसलिए बहुत क्लियर होके, बहुत साफ होके, बहुत ट्रांसपेरेंट होके अपने रिश्ते में आगे चलिएगा। बहुत बढ़िया रिश्ता होने वाला है इस मंथ में आपके लिए। और अगर आप किसी से कमिटेड नहीं हैं, अगर आप सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही बढ़िया पार्टनर आने वाला है। और ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा गाइस, ये भी आपकी ही तरह बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होगा। कुछ या तो जॉब में होंगे, या बिजनेस में होंगे, या होंगी, जो भी हो, मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ओवरऑल ये मंथ आपका बहुत बहुत अच्छा होने वाला है गाइस। हर चीज़ में आपको यहाँ बरकत होते हुए, तरक्की मिलते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही है गाइस। और देखिए, अगर आप कुछ, मैं आपको रिचुअल बताती हूँ, आपको
सूर्य भगवान की बहुत पूजा करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, अपने फादर से अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से बना के मेंटेन करते रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि फादर के साथ जमती नहीं है, उनकी बातें समझ में नहीं आती हैं, पर जैसा भी हो आपको जो भी करना हो करिएगा, पर उनकी एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा। अगर उस एडवाइस को लेके आप आगे चलेंगे, या फादर हो या बड़े भाई हो या फादर फिगर हो जो आपके पिता के समान हो, अगर उनसे आप कोई एडवाइस लेके आगे चलते हैं तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। गाइस देखते हैं स्पिरिचुअली आप क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअली इस मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स। मैंने आपसे क्या कहा, थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिल की चीज़ें दिल से ही सोचें, उसमें बहुत दिमाग मत घुसाएं और चीज़ों की जो एक पॉजिटिविटी है उसको देखें। जो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में अभी तक हो रही थी, या लाइफ है कुछ ना कुछ, हमेशा सब अच्छा ही नहीं होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे भी होती है, कुछ ख़राब भी होती हैं, तो उसको निकल जाने दीजिएगा, उसको ले के सोचते मत रहिएगा, आगे बढ़ते चले जाइएगा। लाइफ आगे आपकी बहुत अच्छी होने वाली, एक नया चक्र आपके लिए शुरू हो रहा है। इस नए चक्र में, इस नए काल में आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है, बस थोड़ा सा बैलेंस बिठा के रखिएगा, थोड़ा सा शांति के साथ चलिएगा, और जो भी कुछ बोलिएगा बहुत ध्यान से बोलिएगा। अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उनको केयर करने की ज़रूरत है। देखिएगा अपने आप आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस हटते चले जाएंगे और चीज़ें आपकी बहुत बेहतरीन होती चली जाएंगी। अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं तो अपने वर्क प्लेस में या कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप सूरज की तरह चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि रातों रात ऐसी कोई तरक्की आपको मिल जाएगी, ऐसी कोई बात आपकी लाइफ में हो जाएगी जिससे आप बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ जाएंगे। गाइस तो कैप्रिकॉर्न वाले आप लोगों की तो ये मंथ एकदम सेट है गाइस, तो अपनी एनर्जीज को जरूर यहाँ पे क्लेम कीजिएगा और कमेंट में जो भी आपके विषय है उसे ज़रूर लिखिएगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हेलो ऑल एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले, क्या आ रहा है अप्रैल 2024 में आपके लिए, क्या है प्रिडिक्शन, क्या होने वाला है इस मंथ में आपके लिए, आइए जानते हैं, टैरो से हेल्प लेते हैं। टैरो हमें क्या गाइड कर रहा है एक्वेरियंस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है इस मंथ में आपके लिए। गाइस देखते हैं, मैं आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के बारे में भी कार्ड निकालूंगी, आप स्पिरिचुअली कितना आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में भी कार्ड निकालूंगी। तो ये जानते हैं एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि वालों के लिए इस मंथ में क्या आ रहा है। वाओ, बहुत पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में और बैलेंस आ रहा है, क्या चीज़ें और आ रही हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आप, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ, पैसा तो डेफिनेटली आपकी झोली में गिरने वाला है, कोई लॉटरी लगने वाली है। ओके चलिए, सारे कार्ड्स मिल गए हैं मुझे। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, अगर किसी भी तरह की कोई तकरार चल रही थी या किसी बात को लेकर कोई बहस चल रही थी, वो बहस ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है मुझे। आपकी फैमिली लाइफ में आपका तालमेल बहुत अच्छा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। हो सकता है आप किसी फैमिली के, अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे जाने की सोच रहे हैं, या किसी ट्रिप पे आप जाएं, किसी ऐसी जगह पे आप जाएं, कोई ऐसे पूजा या धर्म स्थान की यात्रा हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि पैरेंटल आपको कुछ गिफ्ट मिलने की मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं, यानी कि किसी विरासत में आपको अपने फैमिली से विरासत में कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, या ज्वेलरीज हो सकती हैं, या कुछ भी इस तरह का जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको विरासत में कुछ चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। पैसे से ये मंथ आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। रुके हुए पैसा कहीं पर अगर रुका हुआ था, मिल नहीं रहा था, तो वो पैसा आपको मिलेगा। किसी को अगर आपने उधार दे रखा था तो वो पैसा आपका वापस आ जाएगा जो बहुत टाइम से फंसा हुआ था। गाइस थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है इस मंथ में। दिखा रहे हैं कार्ड्स कि आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम करने के पीछे आपने अपने आप को, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा अवॉइड किया है। ऐसा ना करें, थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर ज़रूर से ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ आपकी यहाँ मुझे थोड़ी सी 19-20 होती हुई नज़र आ रही है कुंभ राशि वालों।
पैसा आपका जो भी आपने पैसे से रिलेटेड अगर कोई मन्नत मांग रखी थी कि अगर मेरे लाइफ में या मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा या कहीं से भी जो भी कुछ रुका हुआ पैसा मिल जाएगा या कहीं इन्वेस्टमेंट आपने किया हो वो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा बढ़ के मिल पाएगा, शेयर में आपने लगाया शेयर मार्केट में मार्केट ने पैसा लगाया वहाँ से भी आपको अच्छा पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है, और अगर आपने इन सब चीज़ों को अच्छा करने के लिए कोई मन्नत माननी थी तो उस मन्नत को ज़रूर से पूरा कर दीजिएगा, ऐसे मुझे एनर्जीज यहाँ बता रही हैं। नया एकदम कुछ लाइफ में आपके होने वाला है, आपकी सोच नई होने वाली है, आपका रहने रहने का तरीका नया होने वाला है, आपकी लाइफ में कोई नया फ्रेंड आने वाला है, और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो आप हेल्प कर देते हैं पैसे के लिए उस हेल्प को जो आपने किया था उसकी एनर्जीज आपके पास बहुत ज़्यादा बढ़कर वापस आ रही हैं, यानी कि जो भी आपने पास्ट में किया है जिन लोगों की मदद की है जिन लोगों के लिए भी आपने अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की है वो सारी जो आपका जो कर्म था वो अच्छा आपको रिटर्न मुझे यहाँ इस मंथ में देता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए अगर आपके पास कोई पेट है तो आपको उसे बहुत ज़्यादा एक फैमिली मेंबर की तरह से रखने की ज़रूरत है, जो कि शायद आप रखते भी होंगे, और अगर आपके पास कोई पेट नहीं है तो इस मंथ में आप ऐसा करिएगा कि बर्ड्स को ज़रूर दाना डालिएगा, डॉग्स को ज़रूर खाना खिलाइएगा, कहीं पे कोई किसी गाय को खाना खिलाइएगा, एक ऐसा रूटीन बना लीजिए अपनी लाइफ में, इससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस आ जाएगा, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती नज़र आ रही हैं और अच्छी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएंगी गाइस। इसलिए कोई ना कोई एक अपना रूटीन बना लीजिएगा, चाहे आप चिड़ियों को दाना खिलाएं, डॉग्स को खाना खिलाएं, गाय को खाना खिलाएं, या कुछ भी इस तरह के एक नियम एक रूटीन में आपको बंधने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आपकी रुक गई हैं, यानी कि अगर आपकी मान लीजिए हेल्थ ख़राब चल रही है और छोटी मोटी कुछ ना कुछ चीज़ें लगी ही रहती हैं, छोटे मोटे कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, किचन में काम करते समय आप जल जाते हैं अगर आप महिला हैं या मेल भी हैं जो भी हैं, तो ये सारी छोटी छोटी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है ना, ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही है गाइस। पैसे के मामले में ये मंथ आपका बहुत अच्छा होने वाला है, बस आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कुछ नया ऐड करिए अपनी लाइफ में, यानी कि लाइफ जैसे चलती चली जा रही थी उसमें कुछ नयापन आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा गाइस। किसी यात्रा पे आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी हो सकता है किसी फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई ऐसा फंक्शन हो जिसको आप अटेंड करेंगे इस मंथ में, या आपको हो सकता है कि उस फंक्शन का या कोई शादी का या किसी भी तरह का जो भी प्रोग्राम है उसका इनविटेशन इस मंथ में आपको मिले, या आपके घर में कुछ ऐसा होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है जिसके लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हों, यानी एक गेट टुगेदर होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, आप मुझे पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपके वैसे भी सब चीज़ें बहुत लाइन से लगी हुई हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में जो मिसिंग जो चीज़ें थी वो भी अब आपकी लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही है गाइस। तो ओवरऑल अभी इन कार्ड्स में बस इतना ही है कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान रखिएगा, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो अपने थोड़ा सा अलर्ट होकर ड्राइविंग करिएगा, रास्ते में कुछ छोटी मोटी चोट लग सकती है आपको जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। एक फैमिली के साथ आपको एक अच्छा टाइम बिताने का मौका यहाँ मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। आइए देखते हैं लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ में क्या बता रहे हैं कार्ड्स। ओके इंटेग्रिटी। देखिए गाइस जो भी एक आपकी लाइफ का जो सच है ना उसको थोड़ा मान के चलिएगा, और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है या आपकी लाइफ में कोई पार्टनर ही नहीं है, आप सिंगल हैं, तो आप अगर उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मुझे आपको यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करिए अपने पार्टनर को लोगे, अगर आप मैरिड हैं तब भी, अगर आप सिंगल हैं तब भी, अगर आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ आपके मन में चल रही है दिमाग में चल रही है तो उसको करते रहिएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ मुझे पूरी होते हुए नज़र आ रही है गाइस। आपकी लव लाइफ अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में एक नया पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो बहुत दूर तक आपका साथ निभाएगा, जो बहुत इनोसेंट होगा, बहुत खिलंदड़ा सा होगा, जिसकी एनर्जीज बहुत क्लियर हो, बहुत इनोसेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आपकी लव लाइफ में यहाँ
ऑलरेडी या तो है या ऐसा पर्सन आपकी लाइफ से जुड़ने वाला है गाइस। स्पिरिचुअली आप क्या करने वाले हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तब भी, या हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहते हो, तो भी हम शिव ओरेकल कार्ड से हेल्प मिलते हैं। क्या कह रहे हैं महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। मैंने कहा ना कि थोड़ा, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो भी आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। जिस भी कम्युनिटी के आप हैं, जिस भी आप रिलीजन के हैं, आपको अपने खुदा, अपने अल्लाह, अपने वाहेगुरु या अपने गुरु, जिन पे भी आपको ट्रस्ट है, या कोई आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मिरेकल होने वाला है कि आपका जीवन अपने आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ घूम जाएगा। इस मंथ में आप मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत पूजा पाठ करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आपने, मैंने बोला ना, जो भी मन्नत आपने मानी है उसको आप पूरा करते नज़र आ रहे हैं। ये आपका, ये एक लाइफ का ऐसा टाइम है आपकी लाइफ में कि जिसपे आपको इसमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, या ऑलरेडी आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो देखिएगा आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स अपने आप वैसे ही ख़त्म होती जाएंगी। स्पेशली मैं आपकी हेल्थ रिलेटेड बता रही हूँ, अगर हेल्थ आपकी ख़राब चल रही है तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़िए, अपनी परेशानी बताइए, और थोड़ा सा अपने आपने रूटीन को भी चेंज करने की ज़रूरत है आपको। चीज़ें अपने आप सब संभलती हुई नज़र आ रही है मुझे गाइस यहाँ। तो ओवरऑल आपका अप्रैल 2024 में बहुत अच्छा होने वाला है, पैसे का बहुत फ़ायदा होने वाला है, अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। अगर आपकी लाइफ ऑलरेडी आपके किसी के साथ कमिटेड है, तो आप दोनों के रिश्ते में एक बहुत ट्रांसपेरेंसी आने वाली है, एक दूसरे को समझने वाले हैं गाइस आप। तो जो भी आपके विश हो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप तो जानते ही हैं कि कुछ भी लिख देने से वो चीज़ें हज़ार और लाखों गुना बढ़ के आपकी तरफ दौड़ी चली आती हैं गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल पाइसेस, यानी मीन राशि वाले, क्या होने वाला है अप्रैल 2024 की प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, इस मंथ में आपको क्या मिलने वाला है, आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए इस मंथ में क्या होने जा रहा है। अप्रैल 2024 में मीन राशि वालों के लिए क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं, आइए जानते हैं। ओके, एक नई शुरुआत होने वाली है। अभी इसके पहले एक्वेरियस में भी ये कार्ड आया था, तो एक नई शुरुआत होने जा रही है आपकी लाइफ की, कुछ नया होने जा रहा है। आप अपने आप को यहाँ मुझे बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप, आपकी थिंकिंग चेंज होने वाली है। आप जिस तरह का सोचते थे उस सोच में एक परिवर्तन आता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है गाइस। ओके, मैं ज़रा कार्ड्स ले लूँ। देखिए इस मंथ में ना बहुत करेज आ रहा है। अगर आप किसी चीज़ से आप घबराते थे, या किसी ऐसे काम को करने से आपको डर लगता था, आपको लगता था कि ये चीज़ होगी कि नहीं, उस काम को करने की अब आपकी, आपने आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती नज़र आ रही है। आपकी इच्छा शक्ति जो है, आपके अंदर एक करेज होता मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि अब आप वो भी सब कर सकेंगे लाइफ में जिन कामों को करने से आपको थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होती थी, यानी करेज का मंथ है आपके लिए। कुछ इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी होगी कि आप जो भी कुछ कहेंगे उसको लोग यहाँ मुझे मानते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। मैंने कहा ना कि आपकी सोच बदलती हुई नज़र आ रही है, लाइफ में कुछ नया होते हुए नज़र आ रहा है। एक हो सकता है कि आप एक यात्रा पे जाने की सोच रहे हो, अकेले ही एक सोलो ट्रैवल करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी कुछ अब आ रहा है उसको आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। लाइफ का एक सुनहरा चैप्टर आपकी लाइफ में से शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में गाइस। कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में छुपा के रखी गई थी या छुपी हुई थी, वो सारी चीज़ें क्लियर होते हुए मुझे नज़र आ रही है। किसी ऐसे पर्सन से आपको क्लियरिटी मिलेगी जो सिंगल है या डिवोर्सी है, या हो सकता है कि आप खुद भी ऐसे हों, सिंगल हों या डिवोर्सी हों या सेपरेटेड हों अपने पार्टनर के साथ में, तो आप दोनों के बीच में एक क्लियरिटी मुझे यहाँ नज़र आ रही है गाइस। चीज़ें साफ होंगी और एक दूसरे से बात करके आप लोग आगे बढ़ेंगे।
अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आप, हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं तो आप बिज़नेस भी साइड में डाल सकते हैं, या हो सकता है कि किसी दो तरह का बिज़नेस आप करते हों, या ये भी हो सकता है कि किसी के साथ पार्टनरशिप में आप काम करना चाहते हों, तो उसमें भी आपको यहाँ सफलता मिलती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है गाइस। ये मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है। थोड़ी सी हेल्थ भी आपकी मुझे यहाँ पे ओके ओके दिख रही, कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। बस आपको ऐसे लोगों से बचना है जो आपको डोमिनेट करते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको डोमिनेट करता हो, अपनी तरीके से आपको चलाने की कोशिश करता हो, तो ये सारी सिचुएशन से आपको निकलने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, करेज आ रहा है इस मंथ में आपके लिए। अभी तक उनके सामने आपकी शायद बोलने की हिम्मत ना होती हो, या जिस तरह के भी कोई भी पर्सन हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये, जिसने बहुत ज़्यादा आपके दिलो दिमाग पर कब्जा करके रखा हो, अब आपको समझ में आने लगेगा, चीज़ें क्लियर होती नज़र आएंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसका फैसला अब आप खुद लेंगे, दूसरे नहीं लेंगे। आपकी लाइफ का कमांड आप खुद संभालेंगे, दूसरे नहीं संभालेंगे गाइस। ये आप इस मंथ में ऐसा सोच लेंगे। इस मंथ में पैसे की भी आपकी स्थिति मुझे ठीक ठाक सी नज़र आ रही है। कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कहीं से पैसा आ रहा हो, ये ज़रूर है कि साधन बन सकते हैं, पैसे कमाने के साधन नए नए मुझे यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा डिस्टर्बेंस चल रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा टेंशन है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से भी आप निकलते हुए नज़र आएंगे। मैंने आपसे बोला ना कि आपको थोड़ा सा अपने जो आप एक सोच है आपकी, उसको बदलने की ज़रूरत है। आप भी कुछ हैं ये जानने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ के डिसीजंस आपको खुद लेने हैं। ये अब आप इस मंथ में समझ जाएंगे, दूसरों की बातों में नहीं आएंगे गाइस। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, और ये आपके मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है। द पावर ऑफ लव के ये कार्ड से मैं जानती हूँ। यूनिटी, मैंने आपसे कहा, देखिए अगर आपको प्यार पाना है तो आपको प्यार देना भी होगा, ऐसा कार्ड्स की एनर्जीज मुझे यहाँ बता रही। यानी कि आपको, आपकी लाइफ में आपको थोड़ा प्यार की कमी महसूस होती है, तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई, अगर आप मैरिड हैं तो आपको उनके साथ थोड़ा सा एक समय बिताने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। और अगर आप सिंगल हैं या डिवोर्सी हैं, या जो भी आपके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है इस वक्त, तो आपकी लाइफ में एक पार्टनर मुझे यहाँ एंट्री करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में कोई एक अच्छा पर्सन हो, आप प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें आपकी तरफ, एक प्यार आपकी तरफ मुझे यहाँ आता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। तो आपकी लव लाइफ में अगर कोई भी नहीं, आपकी लव लाइफ अभी शुरू ही नहीं हुई है, तो इस मंथ में आपकी लव लाइफ शुरू हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के नाम से कोई काम करें, कोई बिजनेस डालें, कोई नया ऐसा कुछ भी ऐसा काम शुरू करें जिसमें आप अपने जो आपका जो लव पार्टनर है, आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, उनको लेके आप ये काम शुरू कर सकते हैं इस मंथ में। और अगर आपने ऐसा किया तो इसमें आपको सक्सेस भी मिलती हुई नज़र आ रही है गाइस। स्पिरिचुअली आप कितना आगे बढ़ गए हैं ये भी देखते हैं कि इस मंथ में आपकी स्पिरिचुअल लाइफ क्या कह रही है। लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन, देखिए अगर आप हनुमान जी की बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सरेंडर कर दीजिए, अपने सारी प्रॉब्लम्स को उन्हें सरेंडर कर दीजिए कि बजरंगबली महाराज मेरी लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम है या जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो सब आपकी इच्छा से हो रहा है। जब आप सरेंडर मोड में आ जाएंगे तो चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। आप जो कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी कुछ करता है वो ईश्वर करता है, खुदा करता है, अल्लाह करता है। जिस भी कम्युनिटी के आप हैं, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, आपको अपने ईश्वर पे, अपने गॉड पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। छोड़ दीजिए सब कुछ उनके ऊपर। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, कहते हैं ना हनुमान जी शिव जी का ही अंश है, तो आप हनुमान जी की पूजा करते हो, चाहे आप शिव जी की पूजा करते हो, सब कुछ लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम है सब उनको आप सरेंडर कर दीजिए, सब उनको दे दीजिए। वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं, आपकी लाइफ में अच्छा पार्टनर नहीं है, या आपको काम से लेके कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, या किसी पर्सन से आपको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके साथ आपकी जम नहीं रही है, ये सारी चीज़ें आप सरेंडर कर दीजिए। वो अपने आप ही देखेंगे, वो जो कुछ भी आपकी लाइफ
आपके लिए करेंगे वो बहुत बेहतरीन होगा। ओवरऑल ये मंथ मुझे आपका यहाँ ठीक ठीक नज़र आ रहा है, चीज़ें शुरू होंगी। हो सकता है कि बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में जो रुक गई हैं वो चीज़ें शुरू होंगी यहाँ गाइस। चीज़ें साफ साफ क्लियर आपको इस मंथ में नज़र आ जाएंगी, बस आपको करेज रखने की ज़रूरत है, हिम्मत मत हारिएगा, अपने विल पावर को स्ट्रांग करिएगा। चीज़ें खुद ब खुद देखिए इन्फिनिटी का साइन है आपकी लाइफ में, आगे बहुत कुछ एक बड़ा होने वाला है और ये एक नहीं दो दो साइन है, आप देख ही रहे हैं, दो दो इन्फिनिटी के साइन है। एट का साइन दिख रहा है ना आपको यहाँ, ये एक असीमित बोलते हैं ना कि एक ऐसी सक्सेस को ये अपनी तरफ खींचता है कि जिसकी जिसका कोई अंत ही नहीं होता है। एक बार सक्सेस की सीढ़ी आप चढ़ने लगेंगे तो आपकी लाइफ में फिर कोई रुकावट नहीं है, आप ऊपर ऊपर और ऊपर चढ़ते ही चले जाएंगे गाइस। तो एक बहुत असीमित एक आपके लिए संभावनाएं खुल रही हैं इस मंथ में गाइस। तो जो कुछ भी आपके विश हो, जो कुछ भी आपके मन में चल रहा हो, दिमाग में चल रहा हो, उस विश को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इससे एनर्जीज क्लेम होती हैं, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ खींची चली आती हैं। इससे जो कुछ भी है उसको करेज से आप अपने विल पावर से आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा। लाइफ में आगे बहुत अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।